गुड मॉर्निंग प्रियंका। बाकी सब्जेक्ट की हुई प्रिपरेशन? म्यूट पे हो? हेलो हाँ मैम, कॉस्टिंग की क्लास मैंने अभी कंप्लीट की SCMPE की, और मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। इलेक्टिव में कौन सा लिया? इकोनॉमिक लॉस। अब SCPME को रिवाइज ढंग से करते जाना, छोड़ मत जी देना, भले ही 2 घंटे नहीं, पर लेके ही रखना। ओके। मैं एबीसी एनालिसिस वगैरह करके रखा उसमें? अभी ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा किया और डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ मैम। हाँ, उसमें भी एडजस्टमेंट शीट बनाना, मैंने एक वीडियो में पूरा बताया, वो करते रहना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा बाद में। अभी क्या होता है, ओके अभी ओके प्रेशर नहीं रहता ना, तो सब लगता है कि आ जाएगा, जब एंड टाइम आता है ना तब दिक्कत चालू होती है। रियली इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, और थ्योरी बहुत ज्यादा है SCMPE में। और थ्योरी ऐसा कि कीवर्ड चाहिए ही उनको, बिना कीवर्ड के काम बनेगा भी नहीं, तो वो सब अपने टाइम में तो सब कर सकती हो। एक सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक लॉ, तो ऐसा है कि एक बार रीडिंग करके ओपन बुक है तो एक इंडेक्सेशन बना लेना कि कौन सा टॉपिक मुझे कहाँ मिलेगा, ताकि मैं राइट 4 घंटे वेस्ट नहीं हूँ, है राइट ना। तो 6:30 तक मैम, मैं इंडेक्सेशन भी अभी से ही बनाना चाहिए जैसे। साथ साथ कि जैसे तुम पढ़ रही हो तो एक प्रॉपर इंडेक्सेशन की ये चैप्टर मेरा इससे इस पेज में है, फिर वो टॉपिक इससे इस पेज में है, ताकि दिखे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट खोला, क्योंकि वो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया ही इसलिए, और हमको वो 1 घंटे को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना, राइट ठीक है। तो वो इंडेक्सेशन ओके अभी से बनाना कि तुमको यहीं से प्रैक्टिस हो जाए कि ये टॉपिक का मुझे यहाँ देखना है, ये करना, कलर कोडिंग अपनी ध्यान रखना कि इस कलर कोडिंग में मैंने चैप्टर लिखे, इसमें टॉपिक लिखा है, ऐसे। ओके और बहुत सारी बुक्स लेके जाना मत, बच्चे गलती करते हैं, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, कोई मतलब का नहीं नहीं, नहीं एक बुक जो है सफिशियंट होती है। मैम, स्टडी मटेरियल से मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं वही लेके जाऊंगी। पर कुछ कुछ चीजें, मतलब अगर लगता है ना किसी की रेफरेंस बुक में ज्यादा अच्छी है तो इनकॉर्पोरेट कर लेना उसको। मैम मैंने किसी ऑथर की बुक ली नहीं है मैम, आपको क्या लगता है किसी ऑथर की बुक लेनी चाहिए? हाँ, क्योंकि स्टडी मेट में ना कुछ चीजें बहुत छोटी सी दी होती है, पर वो पूछते तो इन डिटेल ही है, हाँ स्टडी तो मेट मैम आप, अलग हाँ होता है, पर पूछना उनका ऐसा है कि डिटेल में सब पूछेंगे, तो इसलिए राइट देख के ले लेना चाहिए। मुनीष तिवारी सर की अच्छी है, और क्लासेस अगर तुमने लेना है तो उनसे सबसे ज्यादा अच्छी उन्हीं की क्लासेस, और किसी की नहीं। अच्छा ओके वो जो जितना अच्छा बताते ना, तो उसके अलावा मुझे एक्चुअल में कोई नहीं लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाता है। राइट और एक साउथ के कुछ हैं उसका, सानिध्य सराफ। नहीं, वो तो बिल्कुल बंगाल के हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना शॉर्ट सानिध्य में सराफ बिल्कुल अच्छा नहीं। नहीं है, अच्छे नहीं है, बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हैं। वो उन बच्चों के लिए जहाँ 40 लाइन है ना, वो एग्जेम्पशन के लिए तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, और एग्जेम्पशन बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में, जिससे बाकी सब्जेक्ट का और इजीली कुछ। 56 तक तो क्रैक होते हैं स्टूडेंट्स के। हाँ, अच्छा कौन से सर, उनका नाम एक तो थोड़ा साउथ इंडियन टाइप है, पुरुषोत्तम ऐसा कुछ करके है, पी ओके से ही कुछ है, अजीब सा ही नाम, मतलब साउथ इंडियन नाम ही है उनका। वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो प्रॉपर लॉ को वो भी इंटरप्रिटेट करके बताते हैं। ओके
का देख सकती हूँ। अभी एक ही ग्रुप दोगी? मैम मेरा एक ग्रुप क्लियर है ऑलरेडी। अच्छा फर्स्ट ग्रुप क्लियर है। यस मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था? मैम फर्स्ट ग्रुप सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। ठीक है बहुत सही टाइम मैम। लेकिन फर्स्ट ग्रुप क्लियर किए हुए भी 4-5 साल हो गए। 5 साल। अच्छा शादी के बाद छोड़ दिया होगा? शादी के बाद नहीं हो पाया। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनकी 2-3 सर्जरीज हुई, मेजर सर्जरीज। फिर मुझे भी बेबी गर्ल हुई तो उसको भी मैंने थोड़ा बड़ा किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप कर लूँ रिकॉर्डिंग में राइट। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन। 30 मार्क्स का हमको क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। अब जब तुम पेपर देखोगे ना तो पेपर में तुमको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है हमेशा 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 वो पीजीपीटी का होता है और उसमें भी 90% होगा असेसमेंट ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी लिखना करना कुछ नहीं, ये सब चीजें जब मैं फर्स्ट डे ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं, जब कल से हम करेंगे चीजें लिखते जाएंगे, तुमको 5 साल के पेपर एनालिसिस में बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो है हमारे लिए डीपी के लिए वो ये है। अब जब तुम क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी करते हो, इसमें दो चीजें हो सकती है। इसमें या तो वो बोलेगा कि तुमको क्या करना है, मेटा करना है, या तो वो बोलेगा सिंपली क्या करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करो, या फिर क्या करो साथ साथ उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालो। और यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे तुम 5 साल के पेपर ले लो या उससे पुराने जितने पेपर देखने उतने देखो, यही दो चीजें तुमको क्वेश्चन नंबर 1 में मिलती है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जब कंपनी का असेसमेंट होगा तब ठीक है, और अगर कंपनी का असेसमेंट नहीं हुआ तो वो एलएलपी आपके पार्टनरशिप। यही दो आज तक इन्होंने देके रखे हैं, इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है डीपी का पेपर। ये अभी अपन क्या जमा रहे हैं, अपने दिमाग में बेस जमा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इतना इतना क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी हिसाब से देगा, अदरवाइज वो देगा टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो। अगर उसने कंपनी नहीं दिए तो 101% क्या देता है, एलएलपी और पार्टनरशिप ही देख के चलते हैं, इसके अलावा अब तक कुछ और नहीं आया। ये कितने मार्क्स का होता है? 14 मार्क्स का, और जनरली स्टूडेंट को मैक्सिमम सिर्फ 4 मार्क्स आते हैं। अब 4 मार्क्स आने का रीजन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि मुझे पीजीपीपी में क्या क्या करना है पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता क्या अलाउ है क्या डिसअलाउ है, ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं होता है। बट द थिंग इज, ये सबसे बड़ा मिथ है जब ये बोल दिया जाता है कि प्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर। प्रेजेंटेशन 101% मैटर करता है। अगर तुम मेरे सामने एक कॉपी ऐसी ला के रखोगे जिसमें काट पीट करके रखा हुआ है, ऑब्वियसली मैं उसको ढंग से चेक नहीं करूंगी। वही एक कॉपी ऐसी होगी मेरे पास जिसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये देखो भैया टोटल इनकम निकल गई, यहाँ पे इसने डिडक्शन दे दिया, यहाँ उसने नोट्स लिख के रखे हैं 101%। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार क्वेश्चन में तुम्हारे तरीके से चेक करूंगी, उसके बाद मुझे तुम पे एक ट्रस्ट आ जाएगा कि बच्चे को प्रेजेंटेशन आती है, उसको पता है कि कहाँ क्या लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1, ओवरऑल क्लास में जब जब हम राइटिंग स्किल्स करेंगे तो राइटिंग स्किल्स में तुमको वैसे ही लिखना होगा जैसे तुम एग्जाम में लिख के दोगे, तब जाके मैं चेक करके तुम्हें बता पाऊंगी कि अभी क्या कीवर्ड्स तुमने नहीं लिखे हैं, क्या तुमने प्रेजेंटेशन में गलती की है। गलती ये भी होती है कि हम टोटल इनकम कहाँ लिखना है उसकी जगह ग्रॉस टोटल करके आ जाते हैं नेट इनकम, जल्दबाजी में तो बहुत गलतियां करते हो। तो जितने एग्जामिनर्स के कमेंट है मैं वहां पे तुमको देती जाऊंगी और वो तुमको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारी गलतियां क्या होगी खत्म होगी। तो सबसे पहली चीज नोट करके रखो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ये एक गलत धारणा है कि प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। तो फोकस नंबर 1 हमारा होगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि सीधी बात है जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, जितनी अच्छी तुम्हारी कॉपी होगी तुम एग्जेम्पशन की तरफ उतने ही अच्छे से जाते जाओगे।
सेकेंड हमको जो चीज समझनी है कि पूरा पेपर ना, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर वन असेसमेंट ऑफ कंपनी का ही होता है. क्वेश्चन नंबर वन में असेसमेंट ऑफ कंपनी नहीं होगा तो LLP होगा या पार्टनरशिप फर्म होगा. फिर क्वेश्चन नंबर टू तुम्हारा 90% होता है चैरिटेबल ट्रस्ट का, 12AA का ही होता है. फिर अब हम उसमें ये सीखेंगे कि 12AA के क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं. या तो वो तुमको देगा सबसे पहला कि चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम निकालो और टैक्स लाइबिलिटी निकालो. ये नहीं देगा तो वो क्या देगा, तुमको केस स्टडी देगा कुछ भी करके, और पूछेगा 4-5 केस स्टडी में कि बताओ कि यहाँ पे क्या सही है क्या नहीं, वैलिड इनवैलिड पूछ सकता है. दैट मीन्स हमको चैप्टर की गहराई में जाके ये भी समझना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं किसी चैप्टर के. ये क्यों जरूरी है, इसलिए नहीं कि हमको कोई झांकी मंडप करना है, इसलिए जरूरी है जब तुमको वो 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग के लिए, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ 15 मिनट नहीं होते हैं, 3 मिनट अपने रोल नंबर भरने के निकाल दो. यू हैव एग्जैक्टली 12 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द पेपर. 12 मिनट में तुमको पेपर को समझना होता है, और वो समझने के लिए तुम्हें क्लिक होना जरूरी है कि भाई देख मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, असेसमेंट ऑफ कंपनी है, इसका मतलब अंदर ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट आ सकते हैं. सेकेंड पढ़ लिया, वैलिड इनवैलिड बताना है चैरिटेबल में, तो मुझे समझ में आ गया कि चैरिटेबल का इस टाइप का क्वेश्चन पूछ के रखा है. तो जब तुम्हें इतना डिटेल पता होगा तो तुम्हारे लिए वो जो तुम्हारे पास 12 मिनट बचे हैं उसमें से पहले 5 मिनट में तुमको मैं यही सिखाऊंगी कि 5 मिनट में पूरा पेपर कैसे गो थ्रू करके दिमाग में स्कैनिंग होता है. तो आज मैं तुम्हें पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि एक्चुअल देखो जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, 2 स्टूडेंट्स भी होंगे मैं पढ़ाऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट तुम अगर खुद से करने जा रहे हो तो इन डिटेल्स को ध्यान रखना, तब एग्जेम्पशन इजी होती है. 10 मिनट अगर जिसने वो यूटिलाइज कर लिए ना तो पैनिक नहीं आता है. अदरवाइज अगर मैं 10 मिनट में पेपर को ही नहीं समझ पाती हूँ तो मेरे को पैनिक आता है कि भाई 3 घंटे में मैं करूंगी क्या, और वो 3 घंटे तुम बिगाड़ के आते हो क्योंकि तुम 10 मिनट नहीं संभाल सकते हो रीडिंग के. क्या दूसरी चीज समझ में आई कि दूसरा हमको क्या करना है, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन को समझना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो क्वेश्चन वन असेसमेंट ऑफ कंपनी होगा या फिर LLP होगा. क्वेश्चन टू 90% तुम्हारा चैरिटेबल ट्रस्ट का होगा. अगर वो 2 में नहीं देते तो 3rd नंबर पे चैरिटेबल ट्रस्ट देगा, मतलब देगा जरूर, देगा चैरिटेबल ट्रस्ट ही, या तो 2 पे होगा या फिर 3 पे होगा. फिर आता है हमारा TDS TCS का क्वेश्चन जो 101% हमेशा आता है 8 मार्क्स के लिए. एक बार एक अटेम्प्ट में बस ऐसा हुआ है कि उसने उसको 4 नंबर के लिए पूछा है, बट ऐसा नहीं है कि वो 0 हुआ है कभी. तो TDS TCS ऑलवेज 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 आएगा और 8 मार्क्स के लिए आएगा, और वो 90% क्वेश्चन नंबर 4 होता है. लेकिन अगर उनको शफलिंग करनी तो क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे उसको. तो क्वेश्चन 1 तुमको समझ में आया असेसमेंट ऑफ कंपनी होता है या LLP होता है, क्वेश्चन नंबर 2 तुमको चैरिटेबल ट्रस्ट मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे अभी मैं डायरेक्ट जंप कर रही हूँ जिसमें TDS TCS तुमको मिलेगा ही मिलेगा 8 नंबर का. बाय चांस ऐसा होगा कि वो 4 नंबर का कर दे, अदरवाइज वो मिलता ही है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा होता है, तो असेसमेंट प्रोसीजर. असेसमेंट प्रोसीजर ऑलवेज आता है 8 नंबर का रहता है. ये पूरा तुमको 5 साल का कल मैं एनालिसिस बताऊंगी तो उसमें भी तुमको समझ में आएगा कि असेसमेंट प्रोसीजर हमेशा 8 नंबर का होता है. और इस बार असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है, तो समझ के चलो कि अमेंडमेंट है तो हमको फोकस भी इस पे सबसे ज्यादा करना होगा. और सबसे ट्रिकी चैप्टर भी असेसमेंट प्रोसीजर होता है क्योंकि लिंकेज याद नहीं रहती है इसकी. तो ये 4 चीजें समझ में तुम्हें दिख रहा है. पहला हो गया PGBP कवर कर लिया, और PGBP के साथ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी का कंपनी कवर कर लिया उन्होंने. सेकेंड नंबर पे चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब वेरियस एंटिटी है. फिर तुम्हारा असेसमेंट प्रोसीजर TDS TCS. फिर आते हैं आगे के क्वेश्चन पे. या तो वो क्या करेगा, गार देगा. अगर उसको गार पसंद नहीं आया, मतलब पिछले अटेम्प्ट में उसने गार दिया, तो इस बार तुम्हें पेनल्टी का मिस रिपोर्टिंग वाला देगा. अगर मिस रिपोर्टिंग नहीं देनी है तो टैक्स प्लानिंग दे सकता है, या फिर टैक्स इवेजन वाले जो है ना कि बताओ कि क्या टैक्स प्लानिंग है, क्या टैक्स इवेजन है, क्या टैक्स मैनेजमेंट है, वो चीजें तुमको दे के रखते हैं.
तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर, जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके पहले ये तो समझ लो वो तुमको पूछता क्या है। हम लोग जनरली पूरे कोर्स को कवर करने के पीछे भागते हैं, 100% कवर करना है, पर ये तो देखो कि आईपीसीसी का वो नहीं पूछेंगे ज्यादा तुमसे, क्योंकि आईपीसीसी हो गई, तुम्हें ज्यादा फोकस इन्हीं पांच पे करना है, वेरियस एंटिटी पे करना है, इंटरनेशनल पे करना है, तुमको करना है टीडीएस टीसीएस पे, असेसमेंट प्रोसीजर और पीजीपीपी, ये तुम्हारे को दिलाएंगे एग्जेम्पशन। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन मैम कहाँ मिलेगा, तो देखना ध्यान से सुनना, जब जब सी होता है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर में एबीसी होता है, अगर उसने एक बार सी पे क्या कर दिया, इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन दे दिया, तो तुम देखना हर जगह सी पे ही तुमको इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन वही मिलेगा। ये बताने का रीजन क्या है, जब 10 मिनट में मुझे समझ में आ गया ना, देख भाई क्वेश्चन नंबर 2 के सी में इंटरनेशनल टैक्सेशन यहाँ है, तो आग बंद करके 3 पे जाना, 4 पे जाना, 5 पे जाना और सी पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो, तुमको पता चलेगा ये क्वेश्चन इंटरनेशनल टैक्सेशन के ही है। आर यू गेटिंग, माइंड मैप जो होता है ना तुम्हारे क्वेश्चन का पेपर का, वो अगर यहाँ क्लियर होगा तो वो 10 मिनट तुम्हारे हाथ में होंगे, ना कि तुम सिर्फ पन्ने पलट रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सो व्हेन यू वांट टू स्कोर एग्जेम्पशन, तो एफर्ट्स इतने ही होने चाहिए और लेवल इतना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बोला प्रेजेंटेशन स्किल मैटर, यस इट हाईली मैटर्स। सेकेंड, हमको रीडिंग पे जाना है तो रीडिंग स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे ही मेरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक खत्म होगा, मैं डेली तुमको बोलूंगी 10 मिनट तुमको क्या करना है, एक पेपर को रीड करना है और कैसे उसमें सॉर्टिंग निकालनी है वो अभी थोड़ा सा मैं तुमको बता दूंगी। सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, मुझे पेपर में पूरा पेपर पढ़ना नहीं हो सकता 10-12 मिनट में, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे पहुंचो। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट छोटा सा लिख लेना, जाना क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 चैरिटेबल ट्रस्ट का है तो देखना वैलिड इनवैलिड लिखा है या फिर टैक्स लायबिलिटी लिखा है या फिर एग्जिट टैक्स के लिए कैलकुलेशन किया। सुंदर राइटिंग करने की जरूरत नहीं कि तुम्हें समझ में आ जाए, इतना जल्दी इन चीजों को लिखते जाना। बस ये टारगेट तुम्हारा कितना होना चाहिए, ये टारगेट तुम्हारा होना चाहिए। प्रियंका अभी आ रही है, ये टारगेट तुम्हारा 2 मिनट का होना चाहिए। हर चीज ना बटी होनी चाहिए, 2 मिनट में तुमको ऐसे पेपर स्क्रॉल करते करते साइड में लिख लेना कि ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर और ये सब पूछ के रखा है। अब 2 मिनट में जैसे ही तुमने ये कर लिया, उसके बाद 3rd मिनट से चालू होना चाहिए मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्या मुझे इंटरनेशनल मैंने बहुत अच्छे से किया है, क्या मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत अच्छे से किया है, या फिर मैंने वेरियस एंटिटी का चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छे से किया, कि क्वेश्चन 1 ही मुझे लगता है पहले स्टार्ट करना चाहिए जो जनरली नहीं करना चाहिए। तो ये तुम्हें क्या दे देगा, एक माइंड मैप दे देगा कि 10 मिनट में से तुमने 2 मिनट हटा लिए, अब तुम्हारे पास अगले 2 मिनट वो डिसाइड करने के लिए सीक्वेंस की क्वेश्चन पहले तुमको कौन सा स्टार्ट करना है। अब सपोज करो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई चैरिटेबल मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, अब तुम्हारा काम है सिर्फ कोई 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे, या तो क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 4, कोई भी तुम्हारी मर्जी का, तो तुम पूरा अच्छे से पढ़ोगे। मतलब मेरा टारगेट ये कि जैसे 2 बज जाएगी ना, तुम्हें फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अब तुम्हें पता है कि ये 2 क्वेश्चन वही है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मैंने अगले 8-10 मिनट में वो अच्छे से पढ़ लिया, जैसे ही पेपर खोला सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इतना प्रिसाइज चलने के लिए, जैसे ही तुमने 2 कर लिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए पहले के 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चन खत्म होने ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी इशू आता है वहां पे तुम्हारी राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड के कारण तुम कम से कम 20 नंबर का छोड़ के आओगे, यहाँ अब भी लिख लो, मैं डे 1 पे ही बता रही हूँ, अगर तुमने स्पीड नहीं लिखी तो 20 नंबर का तुम छोड़ के आओगे।
20 में से शायद तुम्हें 5 नंबर भी मिल रहे होते, तो हो सकता है तुम या तो एग्जेम्पशन पे होते या फिर 40 पे होते। तो एक एक नंबर वहां मैटर करता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने सबसे पहले बताया फर्स्ट फेज पे तुमने देख लिया, लिख लिया दो मिनट में कि ये टॉपिक्स हैं। अगले 2 मिनट में डिसाइड कर लो कि कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आ सकता है, और उसको अच्छे से रीड करना स्टार्ट करो। 2 क्वेश्चन तुमने अपनी थाली में निकाल के रख लिए कि यही 2 बजे मुझे क्या करना है, लिखना है। जैसे ही 45 मिनट्स में तुम्हारा लिखना खत्म हो गया, तुम MCQ पे ही जाओगे। क्यों? MCQ में 10 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत ईजी होते हैं। तो 45 मिनट्स में अगर तुम 28 मार्क्स का कवर कर लेते हो, छोड़ो 20 नंबर का भी कवर करते हो, अगले आधे घंटे MCQ के ही होंगे, तो तुमने अगर MCQ के 10 भी सही कर लिए तो ऑलरेडी तुम किस पे पहुंच गए हो, 30 से 35 का कवरेज तुमने 1.5 घंटे में कर लिया। उसके बाद की कहानी 40 से पार की ही निकलती है। तो स्ट्रेटेजी दिमाग में day 1 से रखना, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगी, टेस्ट में भी तुमको यही चीजें अप्रोच फॉलो करनी है। एग्जाम पैटर्न का एक टेस्ट होगा, तब भी तुमको यही करना है। व्हाट इज द टारगेट, एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार एग्जाम देख के जाओ, तब जाके वहां पे चीजें सही रहेंगी। और मैं फिर रिपीट करूँ, जो एक एक चीज मैं बोलूँ उसको लीनियंटली मत लेना। एग्जाम में तुमको समझ में आएगा कि मैम की बोली हुई पुरानी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमने नहीं की थी। मैं था स्पेशली तुम्हारे लिए बोलूँ, इस बार ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जो बोलती जाऊं वो चीजें करते जाना। एक हम बनाएंगे इसमें एडजस्टमेंट शीट। एडजस्टमेंट शीट होता क्या है, फॉर्मेट में तुमको दे दूंगी। एडजस्टमेंट शीट में ये होगा कि जो जो क्वेश्चंस तुम करते जा रहे हो, अब सपोज करो डेप्रिसिएशन तो मुझे आता है, पर डेप्रिसिएशन में पता चला ये तो मुझसे गलती हो गई, जबकि बहुत अच्छे से आता था मुझे डेप्रिसिएशन लगाना, फिर भी गलती हुई। एडजस्टमेंट शीट में वो एडजस्टमेंट लिख के रखोगे। दूसरा, ये तो बिल्कुल नया एडजस्टमेंट है, समझ ही नहीं आ रहा ये है क्या, वो चीज तुम्हारी कहाँ जाएगी, एडजस्टमेंट शीट में। फिर तीसरा, ये देखा और समझ में आ गया, अरे पर्सनल पर्पस के लिए जो चीजें यूज करते हैं उसका डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है, मतलब तुम्हें पता ही है तुम कितनी भी बार पढ़ोगे या फिर तुमने प्रोविजन नहीं भी पढ़े तो भी तुमको उसका एडजस्टमेंट आता है, सिर्फ वो चीज तुम्हारे एडजस्टमेंट शीट में नहीं आएगी। एडजस्टमेंट शीट मतलब छोटा सा लिख के, हमको समरी लिख के ये होता है। फिर एक कॉलम उसमें होता है कि गलतियां क्या की तुमने उसमें। अब इसका काम आगे क्या होगा, जब मैं तुमको प्रोविजंस रिवाइज कराऊंगी साथ में क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। जनरली हम सिर्फ प्रोविजन रिवाइज करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना है। इसकी जगह तुमको क्या करना है, प्रोविजन के साथ जब तुम क्वेश्चन कर चुके होगे, मैं बोलूंगी याद है वो वाला क्वेश्चन जिसमें लिखा था प्रीवियस ईयर के एंड से ऐसा ऐसा करना है, तो वो एडजस्टमेंट शीट में जो तुम्हारी लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट होगी वो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं उसी की एक लिस्टिंग करी होगी। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, प्रोविजन प्लस क्वेश्चन हर बार क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, तब जाके हमारे दिमाग को चीजों की आदत बनेगी। तो 3 चीजें हो गई, एक प्रेजेंटेशन हो गया तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा हो गया रीडिंग स्किल्स तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा हो गया क्या कि तुम्हें एडजस्टमेंट शीट ईमानदारी से बनानी है। जितने ये लोग यहाँ हैं, ज्वाइन करो नहीं करो, तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम दे रही हूँ मैं कि तुम्हें एडजस्टमेंट शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कसम है तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की, नहीं तो वहां जाके कुछ गड़बड़ हो तो मेरे को कितना भी कोर्स लो, मैंने पहले दिन पे कसम दे के रखी है, ठीक है। चौथा, कीवर्ड अगर तुमने इनकॉर्पोरेट नहीं किए तो ICI को तुमसे कोई मतलब नहीं है। हम बोलते हैं मैम IPCC में तो ऐसा कुछ नहीं किया था, तो IPCC में वो सिर्फ तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करते थे, उन्हें सिर्फ इस चीज से मतलब था, तुमने लिख दिया मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है, अब वो CA फाइनल पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन CA फाइनल के बाद उनको कोई एग्जाम लेने का मौका नहीं है। तो ये जो अपन बोलते हैं ना स्टैंडर्ड डिडक्शन लग गया, मैंने तो बहुत अच्छे से लिखा था लेकिन हम पास नहीं हुए, तो मैं तुम्हारी कॉपी से तुम्हें बताऊंगी कि कितनी जगह तुम्हारे ही वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन कुछ और निकलता है। मैं अभी तुमको बोलूंगी, एक टॉपिक तुम चूज करोगे, अभी तुम ही लोग लिखोगे, मैं तुम्हारी अभी कॉपी चेक करके बताऊंगी कि कितनी जगह तुमने वर्डिंग के साथ खेल लिया और तुमको पता भी नहीं चला कि मीनिंग इधर का इधर हो चुका है। तो तुम भी ये समझ रहे हो अब पास होके तुम CA बन जाओगे, तो उनके पास स्कोप नहीं है तुमको अब रोकने का, तो वो प्रेसाइज अगर तुम लिख सकते हो तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और बाकी हाँ, मैं मानती हूँ 10% 20% लक मैटर करता है, लेकिन 80% तुम्हारा हार्डवर्क होगा, स्मार्ट वर्क यहाँ काम नहीं करता है।
मैं तुमको चाहूँ तो अब भी एबीसी एनालिसिस दे सकती हूँ, पर अगर तुम्हारा अटेम्प्ट जाएगा ना तो नुकसान तुम्हारा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो एबीसी में अब इंस्टीट्यूट ऐसा है कि सी कैटेगरी को फोकस ज्यादा करता है। नहीं यकीन हो तो देखना, जब जब टफ पेपर बनेगा उन सेक्शन से बनेगा जो तुम सोचते हैं, आईसीए तो इससे पूछ ही नहीं सकता, और आईसीए उसी से पूछ के तुमको बताएगा कि लो मैंने इस पे भी केस स्टडी बना दी। नहीं यकीन हो तो इस बार का तुम जिसका फर्स्ट बुक हो लॉ का पेपर उठा के देख लेना, लॉ के पेपर में यही करा उन्होंने, जो सी कैटेगरी थी उसने वही उठा के सी कैटेगरी पूछी उसने, जहाँ कोई सोच नहीं सकता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए भी वो कोई क्वेश्चन बनाएगा, तो उसने वही केस स्टडी बनाई है। तो याद रखना, जब भी पेपर टफ होगा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होता है, सी कैटेगरी ही भरी पड़ी होती है, जो तुम बोलते मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इसलिए ये पूछ सकता है, पर आईसीए वही पूछेगा। तो माइंड यहाँ पे क्लियर करो कि टफ कुछ नहीं होता है, सी कैटेगरी होती है सारी की सारी, जो तुम छोड़ के जाते हो वो वहां पे पूछता है, तुम्हारे लिए होता है वो टफ हो, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट तुम्हारी गलतियां बता रही हूँ मैं, कि ये गलतियां तुम वहां पे करते हो, जिसके कारण तुम छह छह महीने फिर क्या होता है, हम अटकते हैं और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट हमारा चलता जाता है। तो तुम ये लिख लो, प्रेजेंटेशन लिख लो, चाहिए होगी कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन, चाहिए होगा रीडिंग प्रैक्टिस, चाहिए होगी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन तुम कभी भी देख के नहीं करोगे, ये भी एक गीता पे हाथ रखते हो ना तुम, अपनी कॉम्पैक्ट पे हाथ रख के कसम खा लो कि क्वेश्चंस देख के सॉल्व नहीं करोगे। रीजन नंबर वन, एग्जाम में देख के तो तुम्हारी ओपन बुक एग्जाम हो नहीं रही है, वहां पे भी दिमाग चलाना है, और दिमाग 3 घंटे में नहीं चलना सीखेगा, यहीं से 2-3 महीने में प्रैक्टिस करो कि बिना देखे मुझे समझ में आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शुरुआत में 2 घंटे में 1 क्वेश्चन कर पाओगे, 2 कर पाओगे, चलेगा, वहां पे तो वो 2-3 घंटे मत बर्बाद करना, क्योंकि यहाँ पे इसको ट्रेन करो कि बिना देखे सब आना चाहिए। मैं अभी तुमको बिना देखे कुछ दूंगी ना, तुम्हारे हाथ कांपेंगे, सोचो कि लिखना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि ये 3 महीने तुमने दिमाग को क्या ट्रेन किया, भाई देख देख के कर लो, देख देख के कर लो, सब समझ में आएगा, और तुम 3 घंटे में बेचारे दिमाग से एक्सपेक्ट करो कि वो बिना देखे सब कुछ लिख के आ जाएगा, तो गलती तुम्हारी है। बिना देखे हर एक क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करो। पिछली बैच जब तक हुई, जितनी भी बैचेस हुई, मैंने कभी देख के क्वेश्चन करने नहीं दिए हैं, और टाइमर हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे, जो टाइमर 10 मिनट का होना चाहिए उनको 10 मिनट में ही तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ तुम्हारी प्रैक्टिस होती है स्पीड की, कि घंटी चलती जाएगी अगर कि 10 मिनट खत्म होने वाले हो, इधर क्वेश्चन करना है, सेम जो एग्जाम में होता है कि इधर से टाइम चल रहा है और मुझे जल्दी जल्दी समझना है, तो वो प्रैक्टिस सब यहीं पे करनी पड़ेगी। हमारी बैचेस के बाद भी तुमको फिर से एक कसम दे रही हूँ कि टाइमर लगा लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तुमको ऑटोमेटिकली एग्जाम प्रिपरेशन समझ में आ जाएगी कि ऐसे चलती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख के नहीं करोगे, खुद सोचोगे गलत होगा, फिर एडजस्टमेंट शीट में लिखोगे, अरे ये एडजस्टमेंट आते करते मैंने गलत कर दिया, तो तुम्हें पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो, नोटिंग ऑफ योर मिस्टेक, फिर मिस्टेक पे एक्सेल कर लेना, तब तुमको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। और एक मैं तो और क्लियर कर दूं, स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं मैम 100% एग्जामिनेशन आ जाएगी, नहीं भैया मैं एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ, मैं एग्जामिनेशन दिलवाती नहीं हूँ, मैं प्रिपेयर पूरा एग्जामिनेशन के लिए कर दूंगी, लिख के तो तुमने आना है, चेकिंग किसी और ने करनी है, तो घर आके मेरे को मत बोलना मैम आपने कहा था आपकी बैच ज्वाइन करोगे, एग्जामिनेशन आ ही जाएगी। आ ही जाएगी का मतलब ये कि मैं प्रिपेयर करवा दूंगी, आगे तुम्हारा ही होगा करने का काम। तो ये चीज मेरे को पूछा भी था एक ने, मैम रिफंड कर दोगे, एग्जामिनेशन नहीं आएगी, तो मैंने कभी, मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, कोई रिफंड नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंपल सादी सी बात है। एब्सेंट ज्यादा लाइव क्लासेस में होना मत, क्योंकि लाइव का तुमको पता, अभी तुम लोग करोगे ना तब समझ में आएगा, रिकॉर्डेड में तुमको मजा ही नहीं आएगा जितना लाइव में मजा आएगा, जब कंपटीशन चलता है, क्रॉस चेकिंग चलती है, वो मजा लाइव में ही है। और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 में तुमको रिकॉर्डिंग दे पाऊंगी, वो भी जेन्युइन केस में, सारी की सारी में नहीं दूंगी। अभी से ही बोल रही हूँ, फिर मत बोलना कि मैम हमारा छूट रहा है, नहीं, तुम्हें एनी हाउ डिसिप्लिन में रह के 6:30 बजे उठना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब एक टॉपिक तुम अपना अपना बताओ, क्या चैरिटेबल ट्रस्ट सबको आता है अभी के लिए? चैरिटेबल ट्रस्ट कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुम ही बोलो। अरे चुप क्यों, कुछ तो आता होगा। हाँ मेहताब तुम बोलो, कौन सा आता है टॉपिक अभी सबसे अच्छे से? पीजीबीपी। पीजीबीपी
तो पीजीबीपी में तुम मुझे ना 35D लिख के बताओ पूरा। 35D ओके। हाँ 35D 33AB है ना। चलो स्वाति क्या आता है सबसे अच्छे से? वेरियस एंटिटीज थोड़ा थोड़ा याद है। वेरियस एंटिटी में कौन सा आता है? खुद ही अपने आप में बहुत सारी है। बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट फंड। हाँ इन्वेस्टमेंट फंड लिखो पूरा जितना समझ में आ रहा उतना लिखो। निशांत अभी तो एज इन अभी तो कुछ मैंने प्रिपेयर किया नहीं तो मेरे को अभी तक कोई कुछ 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 भी याद आ रहा है। एक काम करो तुमको कौन सा आईडीटी भी अगर याद आ रहा ना कोई भी एक टॉपिक लिख के बताओ जिससे मैं तुमको बताऊंगी कि मिस्टेक्स कहाँ होती है। कौन सी चीज याद आ रही है तुमको? सेकंड ग्रुप का कुछ नहीं याद मैम अभी मैंने फर्स्ट ही किया। फर्स्ट में क्या किया? लॉ किया है? अभी लॉ का बताऊंगी तो और गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं नहीं बता दो लॉ का। फिर मुझे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का टॉपिक लिख के दो है ना। दीपक कौन सा टॉपिक जल्दी बोलो म्यूट पे हो। काफी टाइम पहले किया था अभी याद तो नहीं पूरा। अभी क्या याद है तुमको? पीजीबीपी का जो टॉपिक याद है वो उतना लिख के दे दो। पीजीबी सेक्शन 28 याद हो तो सेक्शन 28 ही कर दो। शिक्षा कौन सा टॉपिक? मैम आई हैडंट प्रिपेयर्ड सेकंड ग्रुप टिल नाउ। देन प्रिपेयर्ड एनी टॉपिक यू फाइंड कंफर्टेबल व्हाटएवर whether it is from first group or whether it is from second group whatever topic I just want to tell you ki mistakes kya hoti hai. Ma'am what topic will you suggest to me? You know section 28 of PGPP? Ma'am I hadn't even read it yet. Law, are you comfortable with law? In law like what chapter? In law, you can write PAMLA, definition of money laundering. Ma'am, even that group I cleared in July, so I don't remember the keywords or something. So in July, I cleared my first group. So that is no sense of making mistakes. Yes, ma'am, that's fine. You wait for 10 minutes, that's okay. Father's mistake. Okay, fine. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। May I write business trust? I remember more. हाँ हाँ चलेगा चलेगा। I'm giving you time. 10 minutes time I will allot you. In 10 minutes you all have to write. प्रियंका बोलो कौन सा topic? Mute पे हो प्रियंका। Hello. हाँ। मैम मैंने अभी काफी time से कोई topic नहीं किया तो आज नहीं लिखना मुझे सर। बहुत अच्छे। चलो 10 मिनट्स वेट करो और जो लोग लिख रहे हैं उनके से देखो। मैं 10 मिनट्स अलॉट कर रही हूँ ठीक है। ओके ओके टाइम स्टार्ट कर दिया है। टाइम को ध्यान रखते हुए चीजें प्रिसाइसली लिखना जैसे एग्जाम में लिख लो।
दीपक कॉपी में लिखना है और पीडीएफ सेंड करना है, मैसेज में नहीं लिखना। ठीक।
पीडीएफ बना के सेंड कर दो। चलो स्टॉप राइटिंग और सेंड कर वीडियो बनाएं। दिया चलो 33 ए बी कौन सा सेक्शन है? मेहता 33 ए बी सेक्शन है क्या अपना टी कॉफी रबर? यस मैम। सच्ची? देखना जरा एक बार वो 33 ए बी है या ए डबल बी है। डायग्राम यही बना के आएंगे ना अपन एग्जाम में तो।
मैम अभी यही याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा, प्रॉपरली तो कुछ रिवाइज ही नहीं किया हुआ। अगर इसी को मैं वर्ड्स में लिखने बोलती तो क्या तुम इसको वर्ड्स में लिख सकती थी? जब डायग्राम आता है तो यू शुड नो द वर्डिंग आल्सो। हाँ मतलब लिख तो देती थोड़ा थोड़ा, प्रॉपरली तो कुछ याद नहीं है बट हिंट था। तो, देखो सेक्शन 28 शुरू होने से पहले ही दीपक का खत्म हो गया भाई। 10 मिनट अगर मैंने टाइम लिया, पता है सेक्शन 28 में कितने पॉइंट्स है? सबसे पहले तो उसमें यही है कि प्रीवियस ईयर में कोई भी बिजनेस अगर प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वो इनकम भी सेक्शन 28 में आएगी। फिर तुम्हारा की इंश्योरेंस वाला आएगा, फिर तुम्हारा आएगा पार्टनरशिप वाला आएगा, कमीशन वाला आएगा, इंटरेस्ट वाला आएगा, रेम्यूनरेशन आएगा, सैलरी आएगा। उसके बाद 35AD की जो तुमने चीजें बेच दी हैं जिसपे 100% डिडक्शन ले चुके, तो मतलब तुम समझ लो उसको मैं क्या दूंगी, शायद सिर्फ एग्जामिनर तुमको आधा नंबर देगा। अगर ये 4 नंबर का हुआ ना तो ये आधा नंबर। इसके बाद ये वैसे भी अपने कोर्स के बाहर है लेकिन बताती हूँ कैसे तुमको लिखना है। हाँ हाँ, सबसे पहले तो देख के मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसको पता है तो इसने इतना लिखा है, बाकी की तो तुम समझ रहे हो कॉपी में, मुझे पता है कि मुझे चेक ही नहीं करना। अब पिछली बैच ज्वाइन की थी ना, हम लोग को पता है कि उनको ना जो पेपर चेक कर उनको तो तुम्हारा 6 से 7 कॉपी चेक करनी होती बस। जो अपन अभी वीडियो देखते हैं ना ट्रेन में, हमारी कॉपी चेक हो रही है, कितना ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ, बाप रे ऐसे कोई कॉपी चेक करता है, मेट्रो में चेक हो रही है, वो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मुझे अगर तुम अभी कम लोगों ना, इतने में ही मुझे पता चल जाएगा कौन से कीवर्ड किसने नहीं लिखे हैं, कौन सी चीजें किसने नहीं लिखी है। मैं 7 कॉपी ज्यादा से ज्यादा 10 कॉपी चेक करके एक एग्जामिनर का माइंड बन जाता है, देख भाई इसने ये कीवर्ड नहीं लिखा, ये चीज इसने डेफिनेशन नहीं लिखी, खट 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 तुम्हारी कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उनके पास है ना सजेस्टेड ऑलरेडी रहता है कि ये चीजें तुमको आंसर में ढूंढनी है। उनको एक बार देखना, दो बार देखना, 7 से 10 बबच्चों की कॉपी देख ली, 100 में से सिर्फ 5 से 6 बच्चे होंगे जो वो चीजें लिख के रखेंगे, इसलिए तो हमारा रिजल्ट इतना कम है क्योंकि तुम लोग वो लिखते ही नहीं हो। अब तुम खुद बताओ सेक्शन 28 तो आईपीसीसी में भी पढ़ रहे थे हम, ये तो नया किसी के लिए भी नहीं है, ये तो आईपीसीसी भी है ना, कि आज तुम बोल नहीं सकते मैम सेकंड ग्रुप प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 28 तुमने आईपीसीसी में भी प्रिपेयर किया। अगर तुम सेक्शन 28 इतना सा लिख के आ रहे हो तो मार्क्स अगर इतने तो वो इतने ही देगा ना तुमको, वो कैसे दे सकते तुमको मार्क्स। अब जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलेशन इसने अभी लिखा, मैं चेक करूंगी तुम्हारा क्या होता है। सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं समरी नोट्स, एक ना दिमाग बना दिया गया है कि 130 पेजेस में सारी चीजें खत्म। अब वो 130 पेज में से तुमको याद रहता है मुश्किल से 70 पेज याद रहता है, फिर लिखते वक्त तुम लिख के आते हो 40 पेज के हिसाब से, और फिर लिखने में जो तुम्हारी गलतियां होती है वो बच जाता है 20-25 पेज का। तो आर यू गेटिंग, फिर उस 20-25 पेज में से तुमको मार्क्स कितने मिल के आते हैं, इतने से। और ये ट्रू फैक्ट है, तुम रिविजन वीडियोस देख देख के पढ़ाई करते हो, सुन सकते हो, पर जब तुम खुद पढ़ोगे खुद लिखोगे ना तुमको इतनी डिफिकल्टीज समझ में आएंगी कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है, और तुम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करते ही नहीं। मैं ये फर्स्ट सेशन हर बार यही लेती हूँ जिसमें सारी गलतियां पहले ही बता देती हूँ, तो जिसको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना मत करो, खुद ये चीजें कम से कम भैया सही कर लेना, नहीं तो फिर अगले अटेम्प्ट में बोलोगे मैम अटेम्प्ट गया अपना। तो तुम्हारी गलती है, रिविजन लेक्चर देखने का तरीका ये होता है पहले खुद पढ़ लो, सारी डिफिकल्टी खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद रिविजन लेक्चर किसी के भी सुनो वो काम के, और हमारी स्ट्रेटेजी हम रिविजन लेक्चर सुनेंगे उसके बाद क्वेश्चन हम देख देख के सॉल्व करेंगे, और डायरेक्ट एग्जाम में जाके क्या करके आएंगे लिख के आएंगे। तो तुम एकदम धुरंधर बन जाते हो कि हम तो क्या है प्रो है बिल्कुल, हमको तो सब आता है एग्जाम देने में, तो वो तुम्हारा प्रो वहां पे जब निकलता है, जब तुम्हारा रिजल्ट आता है ना प्रो लेवल का 30, 34, 28, 18, फिर हम सोचते हैं हम इतने वीक है कि हमको आ ही नहीं रहे मार्क्स। तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी में तुम्हारा आईना दिखा रही हूँ, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। तुम इतना समझ लो, तुम्हें अगर तुम मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो तुमको घिसना पड़ेगा अपने आप को, चाहे तुमको अच्छा लगे या नहीं लगे। मैं तो आप जानता है मैं कई बार फोन करके भी उठा देती हूँ भैया तुम उठे नहीं, उठ जाओ क्लास चल रही है। तो तुमको टॉर्चर होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। नहीं यकीन हो तो पलक से पूछ लेना दोनों की दोनों, स्वाति और निशांत, कि एक्चुअल में उसको भी उसको वो मेहुल था उसको बोला था कि भाई उठा उसको वो सो रही है, और इसको बोलती थी मेहुल को उठा के वो सो रहा है,
तो तुम अब तो मुझे पता है निशान तुम्हें उठा सकता है स्वाति, और स्वाति तुम निशान को उठा सकती हो, बाकी के नंबर तो मेरे पास है ही, ग्रुपिंग बना देंगे अपन। तो तुम्हें टॉर्चर होने के लिए रेडी होना पड़ेगा, और एक्चुअल में मजा आएगा जब तुम सही तरह से पढ़ना सीखोगे। तो लिख के पढ़ना पड़ेगा, और अब एक बार इनके आर्बिट्रेशन पे भी थोड़ी नजर फहरा देते हैं। सबसे पहला, अदरवाइज कोई नहीं लेगा, मिस्टेक्स आएंगी सामने, तो ठीक है वही लर्न करने के लिए तो तुम यहाँ आए हो। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन सबसे पहले प्राइवेट मेथड है। अब ये प्राइवेट मेथड क्या होता है, पब्लिक मेथड और प्राइवेट मेथड, कहीं भी तुमने ये कीवर्ड कहीं पे भी देखा है। देखो, अगर मैं एग्जामिनर हूं ना, मैं पेपर चेक करूं, मुझे समझ में आ गया ये कौन सी लैंग्वेज चल रही है, जनरल लैंग्वेज में तुम आंसर लिखने जा रहे हो। तो आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट मेथड ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, बिल्कुल सही, वेयर बोथ द पार्टीज इन द एग्रीमेंट एग्रीज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू कुछ नहीं होता, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। आर्बिट्रेशन जब चल रहा है तो चीजें कॉन्फिडेंशियली चलती है, तो यहाँ प्राइवेट की जगह वर्ड आता है कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, इफ कॉन्फिडेंशियल मेथड ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट वेयर बोथ द पार्टीज इन एग्रीमेंट एग्री टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू द कोर्ट बाय अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर। ओके, एवरी पर्सन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज गिवन राइट टू गो टू द कोर्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, बट सच राइट हैज टेकन अवे फ्रॉम हिम अंडर आर्बिट्रेशन। तुम खुद ही इसका मीनिंग मुझे निशान समझाओ। तुम बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हर एक को राइट देता है कि वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन आर्बिट्रेशन वो राइट छीन लेता है। ऐसा कहीं तुमने पढ़ा है कि वो छीन लेता है? ये बात प्रिसाइसली ये है कि जब आर्बिट्रल अवार्ड तुम्हारा जो होता है वो इलीगल हो या फिर वो प्रैक्टिसेबल नहीं हो, तब तुम कोर्ट में जा सकते हो। ये हमेशा के लिए नहीं है, एक्सेप्शन है उसमें। अब ये लैंग्वेज कैसी है, वेग लैंग्वेज है। आया निशांत, अब आ रहे ठीक है? तो दिस इज व्हाट वेग लैंग्वेज। अब तुमने तो लिख दिया कि वो तो छीन ही लेता है, तो वो पता है क्या, पढ़ते से ही समझ में आ रहा है कि जो जो याद है ना, किसी भी तरह से हमने लैंग्वेज में उसको क्या किया है, फॉर्म किया। आगे और देखो, इसके बाद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, एक सबमिशन एग्रीमेंट होता है। Arbitration clause is an agreement entered by party where the principal contract itself, where they agree. अब देखो ये incomplete sentence है. An agreement entered by the party with principal contract itself, where they agree. यहाँ पे arbitration clause क्या होता है? Agreement में ही एक clause होता है कि हम जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो arbitration में जाएंगे. तो तुमने क्या लिखा है? Agreement entered by the party with principal contract itself. आगे क्या है? आगे incomplete है. Where they agree that dispute will be resolved through arbitration. तुमने वो लिखा ही नहीं कि principal agreement में ही एक clause होता है जिस clause के अंदर लिखा होता है कि हम arbitration में जाएंगे. तो क्या वो marks देगा? देना जाएगा, आधा number दे देगा कि तुमने कुछ लिखा है, बल्कि तुमने वो main crux कि clause होता है एक principal agreement में वो तुमने लिखा ही नहीं. फिर सबमिशन, दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट टुक प्लेस आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ डिस्प्यूट, बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द डिस्प्यूट डिसाइड्स टू रिजॉल्व। अब ये सेपरेट एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इसका मैं कंसिडर कर सकती हूँ। फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड द डिस्प्यूट डेल्ट शुड बी आर्बिट्रल, आर्बिट्रेबल। आर्बिट्रल कुछ नहीं होता, आर्बिट्रेबल होता है कि डिस्प्यूट आर्बिट्रेबल होना चाहिए। Another feature of arbitration agreement is it has doctrine of separability. अब देखो separability तो क्या है कि principal agreement अगर vague हो गया तो भी तुम्हारा ये main agreement चलेगा, यहाँ इसका काम नहीं था, बट ठीक है। Are you getting, जो तुम्हें खुद अच्छे से आता था उसमें ही कितनी mistakes हैं, तो written practice इसीलिए जरूरी है। Number of attempt का whole soul reason यही है, तुम लिख के practice नहीं करते हो, तुम्हारा time management नहीं है, तुम 20-20 number का छोड़ के आते हो, और जब तुम 20-20 number का क्या कर रहे हो, छोड़ के आ रहे हो, तो तुम समझ सकते हो कि 20 में से तुम्हारे शायद 5-6 number आ सकते थे और वही तुमको fail कर देते। तो ये पूरा एक session तुम्हारे ही, तुम्हें क्या दिखाना था, mirror दिखाने के लिए था, ठीक है?
कि ये सारी चीजें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे ही अटेम्प्ट इसलिए लग रहे हैं, और तुम मुझे ऐसी 5 कॉपी चेक करके मुझे पता चल जाएगा बच्चे इतनी मिस्टेक करते हैं, और मैं खटखट मेट्रो में क्या खड़े खड़े भी कॉपी चेक कर सकती हूँ। तो ये रियलिटी है, तो इससे बेहतर ये है उनसे एक्सपेक्ट करने की जगह खुद थोड़े से प्रिसाइज हो जाओ लिखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ही तुमको नंबर मिलेंगे। और मुझे तो आर्बिट्रेशन करे हुए भी टाइम हो गया, मैंने तो देख के ही बता दिया ना कि इतनी इतनी मिस्टेक चल रही है, तो उन लोग का तो कॉपी चेक करने का काम ही है, वो तो बता ही सकते हैं। आर यू गेटिंग द मिस्टेक, तुमने लिस्ट डाउन कर ली ये सारी तुम्हारी गलतियां हैं, तो यहाँ ये जो मैंने कीन टेक बोला ये लिख के रखो। पूरे बैच के ड्यूरेशन में ये सारी चीजें ही हम प्रैक्टिस करके रखेंगे, तुम्हारी कॉपी के सबसे पहले पन्ने पे ये ढंग से लिखा होना चाहिए कि ड्यूरिंग 40 डेज हमको इस पे एक्सेल करना है। ये चीजें हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे, लिख के रखो फिर बताओ। हो जाए तो हैंड रेज कर देना, हैंड रेज उसी में एक इमोजी है, हाथ ही मत उठाना। स्वाति उठाने ही लग गई थी। दीपक जल्दी करो, मेहताब, दीक्षा, इसका पीडीएफ भी दे दूंगी मैं तुम लोग को, ठीक है? चलो हो गया। दीक्षा, दीपक, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉर्टिंग से। चैप्टर सॉर्टिंग के अब हम आ जाते हैं अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन पे। तुम्हारी गलतियों के 1 घंटे ही दे पाई मैं, चाहती तो और भी ले लेती, पर फिर अपना 40 डेज का ही ड्यूरेशन है, ठीक है? तो अब आते हैं अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन पे। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर जाके चैप्टर सॉर्टिंग समझते हैं कि कहाँ से कौन सी चीजें आती हैं। 90% DTAA का क्वेश्चन आता ही आता है, और DTAA का भी हमको एक क्या करना है, करते करते पूरी एडजस्टमेंट शीट बनानी। DTAA हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसका क्वेश्चन आता ही है। फिर इसके बाद जो 4 नंबर के इधर उधर देते हैं वो होता है तुम्हारा इक्विलाइजेशन लेवी। तो पहला फोकस होगा हमारा DTAA, सेकेंड नंबर पे हमारा जाएगा इक्विलाइजेशन, फिर इसके बाद छोड़े नहीं छोड़ सकते वो होता है हमारा ट्रांसफर प्राइजिंग। ट्रांसफर प्राइजिंग का या तो केस स्टडी देगा, या फिर तुमको कप मेथड दे देगा, या फिर तुमको क्या देगा, रिटेल सेल्स प्राइस, मतलब कहीं से भी ऐसी मेथड देगा आप तो वो, जो तो अपन सोचते थे ना कि रिटेल सेल्स प्राइस आना चाहिए, नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है, कोई सी भी मेथड पे क्वेश्चन बना के वो दे सकते हैं, क्योंकि अब तो चीजें एमसीक्यू में भी कवर हो सकती है, तो हमारे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं कैटेगरी वाइज जाऊं तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में मुझे सबसे पहले फिर उसके बाद हमारा
फिर इक्विलाइजेशन एंड लास्ट पार्टी ऑफ एडवांस डोमेन. अब इसमें भी लिखा और इसके बाद टॉपिक वाइज बताती जाऊंगी कौन कौन से एमसीक्यू की है और कौन कौन से इसका ऑलवेज क्वेश्चन आता है और इसमें भी ऑलवेज स्टैंडर्ड हमको क्वेश्चन ही आए. इसमें डिपेंड करता है टॉपिक वाइज करेंगे कि कौन सी केस है कौन सा केस टॉप है केस स्टडी होगी क्वेश्चन भी आता है और इसमें वैलिड इनवैलिड और ये भी आ सकता है कि बताओ कॉन्सेप्टिंग एप्लीकेबल होगा भी या नहीं तो एप्लीकेबिलिटी के भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आना होगा तो आएगा पेपर में अच्छे से आएगा नहीं आना तो एक नंबर का क्वेश्चन भी एनोटेशन से वो नहीं देंगे. तो ये एंटायरली डिपेंड करता है कि इस बार पेपर मेकर का मूड कैसा है वो एनोटेशन को एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना. तो ये तुम्हारा इंटरनेशनल टेक्सेशन का पहले पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म होगा तभी करेंगे रीजन क्या है सारा के सारा सब कुछ खत्म करने के बाद आज थोड़ा सा वॉइस इशू आएगा मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है सबसे नहीं आएगा ठीक है तो थोड़ा सा आज वॉइस इशू रहेगा ठीक है. चलो तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है पूरा की पूरा चैप्टर होगा बार बार क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे क्यों एग्जाम में भी तो मिक्सचर ही आता है ना इंडिविजुअली तो कुछ भी नहीं आता है तो हमारा भी यही रहेगा पहले पूरा चैप्टर अच्छे से याद कर लो समझ लो लिख लो कीवर्ड हाईलाइट कर लो उसके बाद जब पूरा इंटरनेशनल खत्म होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे दो से तीन दिन क्वेश्चन को तब देंगे. तो एंटायरली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है एग्जाम में भी मिक्सचर आता है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे मिक्सचर वाइज ही चीजों को सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कौन सी चीज याद है भैया और कौन सी चीज तुमको याद नहीं है ठीक है. तो बुक निकालो कॉम्पैक्ट अपन यूज करेंगे कॉम्पैक्ट यूज करने के बाद बुक जो होगी मोस्ट प्रोबेबली मेरा पूरा तो मेरी ही क्वेश्चन बैंक मिलेगी अदरवाइज रवि अग्रवाल सर है रवि अग्रवाल सर की एमसीक्यू वगैरह सब कुछ उसमें कवर है उनके कंपाइलर में हम वो यूज करेंगे. तो दोनों में से कोई भी एक हम क्या करेंगे यूज करेंगे परचेज दोनों ही नहीं करनी दोनों ही पीडीएफ फॉर्म में तुमको अवेलेबल रहेगा ठीक है. तो वो वाली बुक्स हम लोग यूज करेंगे. चलो आ जाओ डी टी डबल ए पे. पेज नंबर 86 पे अब देखो ये जो चैप्टर है DTAA का DTAA के चैप्टर में तुमको सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा कि तुम्हें सिर्फ DTAA नहीं आना चाहिए इसके लिए तुमको डिडक्शंस भी आने चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली डिडक्शन कौन से होते हैं इसमें 80C, 80D ये वाले डिडक्शंस पे वो लोग क्या करते हैं इनके क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लस्टरिंग किन चीजों की इसमें आती है. तो जब हम बात करते हैं चैप्टर कौन सा है DTAA तो इट्स नॉट ओनली DTAA साथ हमको क्या पता होना चाहिए डिडक्शन और डिडक्शन कौन कौन से देते हैं वो जनरली 80C का डिडक्शन कहाँ डिडक्शन देना है कहाँ नहीं देना
फिर इसके साथ जब ये डिडक्शंस दे रहे होंगे इसमें वो बाइफर्केशन कर देंगे कि डिडक्शन ये जो तुमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया या तो नॉन रेसिडेंट का लिया या रेसिडेंट का लिया, मैं तुम्हें एंटायरली बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ कंफ्यूज और वो इसी जगह ज्यादा कंफ्यूजिंग है। फिर इसके बाद यहीं पे तुमको एक मिलेगा रॉयल्टी रिलेटेड डिडक्शन, यहीं पे वो कंफ्यूज करते हैं रॉयल्टी वाले में कि रॉयल्टी के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हमने, तो वो एक्सपेंस हमेशा तुमको 3 लाख रुपीज का देना ही होगा चाहे जो हो जाए। जहां तुम्हें रॉयल्टी दिख गया 3 लाख का एक्सपेंस का डिडक्शन आएगा आएगा और हमेशा ही आएगा। क्वेश्चन करते वक्त क्लैरिटी और देंगे, लेकिन हम फ्रक्स लिख रहे हैं चैप्टर का कि ये चीजें इन चैप्टर में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद वो इसी में कंफ्यूजन और क्रिएट करता है, PTAA का आता है, बोलते हैं फॉरेन कंट्री में ये डिडक्शन नहीं मिलता, फॉरेन कंट्री में इस चीज का डिडक्शन नहीं मिलता। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, मुझे नहीं पता वो क्या देंगे, पर वो ऐसा लिखेंगे कि फॉरेन कंट्री में इस चीज का डिडक्शन नहीं मिलता है तो इंडिया में क्या करना। तो तुम एक चीज समझ लो, जब तुम DTAA कैलकुलेट कर रहे हो तुम इंडिया के हिसाब से कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में वो लॉसेस अलाउ हो, वो डिडक्शन अलाउ हो कि नहीं हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इंडिया में वो लॉसेस उसको अलाउ करने हैं, मुझे इंडिया में वो एक्सपेंसेस उसको देना है। वो लाइन स्पेसिफिकली लिखते हैं कि फॉरेन कंट्री में ये डिसअलाउ है, अपने को कोई मतलब ही नहीं है, डिसअलाउ हो तो हो, हमको क्वेश्चन में इंडिया में अलाउ करना है, क्योंकि ऐसा मान के चलो तुम तो इंडिया के लिए उसका क्या कर रहे हो टैक्स कैलकुलेट, तो इंडिया के सारे रूल्स एप्लीकेबल करोगे, तो ये भी एक कंफ्यूजन क्वेश्चन में वो देते हुए चलते हैं। तो वहां लिखेंगे वो डिसअलाउ फॉरेन कंट्री में कोई मतलब नहीं, इंडिया में अगर अलाउ होता है तो अलाउ होके रहेगा। तो यहाँ पे एक उनका डिसअलाउ करता है डिसअलाउ इन फॉरेन कंट्री, तो सीधे लिखोगे यहाँ पे डज नॉट मैटर। और क्या क्या चीजें देते हैं यहाँ पे वो लोग देते हैं, जब तुम DTAA देख लो, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है तो पहले से ही क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो क्वेश्चन माइंड हमेशा हमारा होना चाहिए। अब DTAA में क्वेश्चन देते हैं और क्या देंगे, वो बोलेंगे वहां पे उसने टेक्स टेस्ट किया, इतना समझो नाम क्या है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, नाम क्या है डबल टैक्स को अवॉइड करने वाला एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या फॉरेन में भी टैक्स लगता है तभी तो इंडिया में फिर से टैक्स लग रहा है तभी तो डबल टैक्स हुआ, तो बोल रहे एक डबल टैक्स अवॉइडेंस करना है हमको, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देगा कि फॉरेन कंट्री में टैक्सेस क्या हो चुके हैं डिडक्ट हो, टीडीएस क्या हो चुका है डिडक्ट हो चुका है, 10% पे उसने टैक्स ले लिया है, अब मुझे जो बताना है ना उसी इनकम पे टैक्स बचाना है जो डबली टैक्स हो रही है, ध्यान से सुनना है, तो मुझे उसी इनकम पे टैक्स बचाना है जो डबल टैक्स हो रही है, समझना एक चीज ध्यान से, ये 10 लाख की इनकम मुझे कहां हुई 10 लाख की इनकम हुई, ठीक है ध्यान से 10 लाख की इनकम मुझे कहां हुई यूएस में, वहां पे मुझे 10,000 टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, इंडिया में जब आ रही हूँ मैं तो इंडिया में आ रही हूँ तो मुझे बताया गया कि ये जो 10 लाख की इनकम आपने यूएस में अर्न की इंडिया में इसको 3 लाख का क्या मिल जाता है डिडक्शन मिल जाता है, इंडिया में क्या मिलता है 3 लाख का हर किसी को डिडक्शन मिलता है, तो एक चीज बताओ डबल टैक्सेशन किस पे हुआ, 10 लाख पे हुआ या 7 लाख पे होगा डबल टैक्सेशन, 3 लाख तो वैसे ही डिडक्शन मिल चुका है ना, तो डबल टैक्सेशन किस पे हो रहा है 7 लाख पे, और ये चीज वो बार बार लेते हैं क्वेश्चन में, ये चीज बार बार तुमको ध्यान रखनी कि डबल टैक्स कहाँ हो रहा है उस इनकम पे मुझे क्रेडिट देना होता है, एक क्वेश्चन करते करते बार बार सीखोगे मुझसे तो यहाँ पे ये चीज याद रखो डबल टैक्स क्या हो रहा है, 10 लाख पे डबल टैक्स नहीं हो रहा क्योंकि 3 लाख का तो डिडक्शन इंडिया ने दे दिया, डबल टैक्स तो सिर्फ 7 लाख पे हो रहा है और ये चीज का भी वो एडजस्टमेंट दे के रखते हैं, तो DTAA इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। और फिर एक एडजस्टमेंट और होता है टैक्स देने का तरीका कि फॉरेन कंट्री में या तो वो देगा कि 10% क्या कर लिया ले लिया, या वो देगा एब्सोल्यूट टर्म कि 10,000
₹1000 का टैक्स डिडक्ट कर लिया, या फिर वो बोलेगा इनकम में इंक्लूसिव है, इनकम में क्या है इंक्लूडेड है टैक्स, कुछ भी एक चीज बोलेगा। ये तीन तरीके हैं टैक्स देने के भी। बोल देगा 10 लाख की इनकम में ₹1 लाख टीडीएस है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 लाख अलग करना है। ये सिर्फ मैंने क्या बताया कि ओवरऑल TTEE के क्वेश्चन में तुमको यही सारी चीजें मिलती है, तो माइंड में तुमको ये समरी प्रिपेयर्ड रखनी है कि TTEE करते वक्त ये सारी चीजों से, ये सारे एडजस्टमेंट से तुम निकलोगे। यहाँ पे अगर अभी कुछ समझ नहीं आए टेंशन मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन का काम है ये, लेकिन यहाँ पे समरी पता रहेगी तो तुम्हें क्वेश्चन माइंड ऑलरेडी जनरेट होगा। क्या यहाँ तक बात आई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? फिर इसका DTEE के क्वेश्चन जब करेंगे तो और उसमें एक चीज बार बार बोलता है क्या, कि फॉरेन कंपनी को इतने परसेंट पे टैक्स लग गया 40% पे, जबकि फॉरेन कंपनी पोयम के कारण इंडिया की रेसिडेंट हो गई, बिल्कुल लेस फेवरेबल हो गया उसके लिए। तो एक चीज याद रखना, फॉरेन कंपनी भले ही इंडिया की रेसिडेंट बन जाएगी, लेकिन हमेशा याद रखना भले इंडिया की रेसिडेंट है उस पर टैक्स तो 40% ही लगा के रहेंगे, वो लेस फेवरेबल नहीं होता है। ये चार पांच चीजें वो गोल गोल घुमा घुमा के ना हर क्वेश्चन में देते हैं। तो ये बोलते हैं ना जो मेन है, जो पता होगा तो भी अगर मैं कुछ भूल गई होंगी ना तो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये चार पांच चीजें क्वेश्चन का क्रक्स है, जो हर क्वेश्चन में तुमको कहीं ना कहीं ये घूम फिर के देते रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और इसको फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन वाइज लिंक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले DTEE डबल टैक्स अवॉइडेंस। निशान ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो अरे आज मेरा वो नहीं चल रहा है वाईफाई, अभी जब ऑडिबल नहीं होना तो एक बार और हैंड रेस कर देना। ठीक, अभी है, अभी ऑडिबल है, सबको ही ऑडिबल है क्या, कि सिर्फ निशांत को नहीं हो रहा है? मेहताब तुमको आ रही है आवाज सबको? ये मैम ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वो इसीलिए हो रही है, हम जब आप राइट लेफ्ट साइड जाती हैं तो ऑडियो प्रॉब्लम होती है, राइट साइड आते हैं तो नहीं होती। अभी ठीक है? हाँ मैम अब सही है पोजीशन। निशांत ऑडिबल है अभी? हाँ अभी तो ऑडिबल मैम, पर वो ही सेम लेफ्ट साइड वाली प्रॉब्लम है, जब आप थोड़ा पोजीशन पे रहूंगी आज के लिए। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या बोला, अभी तक जो पढ़ा मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले जब भी DTEE का क्वेश्चन करोगे तो DTEE के क्वेश्चन में ATC मिलेगा, DTEE के क्वेश्चन में ATD मिलेगा। ATD में भी वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पे कंफ्यूज करेगा कि ATD मतलब जो मेडिकल इंश्योरेंस लिया रेसिडेंट के लिए लिया है नॉन रेसिडेंट के लिए। उसके बाद इसी में वो और इन डेप्थ जाके क्या करेगा, एज पे कंफ्यूजन करेगा। एज मतलब सीनियर सिटीजन बनाएगा, एक बार बताएगा 40 की एज है, मतलब एज वाइज भी क्या करेगा कंफ्यूजन क्रिएट करता। फिर रॉयल्टी पे देता है एक एडजस्टमेंट, रॉयल्टी देगा, और रॉयल्टी जब जब देख के रखेंगे 101% तुमको 3 लाख का डिडक्शन देना ही होगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वो बताएगा कि फॉरेन कंट्री में ये चीज अलाउ नहीं होती है, तो इंडिया में अलाउ करना है कि नहीं करना, तो हमें तो इंडिया की इनकम चेक करनी है, तो इंडिया में इसको अलाउ करके ही रहना है। फिर यहाँ पे जो पूरा DTEE का कॉन्सेप्ट है, वो पूरा DTEE का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो इनकम डबल टाइम टैक्स हो रही है, मैंने US में 10 लाख की इनकम अर्न की थी, इंडिया में उस इनकम पे 3 लाख का डिडक्शन मिल रहा है, तो मेरे लिए डबल टैक्स 10 लाख नहीं है, मेरे लिए डबल टैक्स 7 लाख है, क्योंकि 3 लाख पे तो वैसे ही क्या मिल रहा है, डिडक्शन अलाउ हो रहा है, तो मेरे लिए डबल टैक्स क्या है 7 लाख रुपीज है। इस कॉन्सेप्ट को बार बार तुम पे टेस्ट करेंगे ही करेंगे। फिर लास्ट टैक्स देने का तरीका कि फॉरेन में कितना टैक्स लगा, या तो बोलेगा 10% का टैक्स लग गया, ये भी एक तरीका है उसका देने का, या बोलेगा 10,000 का टैक्स डिडक्ट हो गया, ये भी एक तरीका है टैक्स बताने का कि इतना तुम वहां टैक्स पे करके आए हो, या फिर बोलेगा इतनी इनकम में इतना टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब इनकम में टैक्स इंक्लूड करके दे देगा कि इतना टैक्स तुमको वहां पे करके आ चुके हो।
तो ये ओवरऑल शॉर्ट क्रक्स किसका है, क्वेश्चन कितने तरह से फ्रेम होता है तुम्हारा। तो DTAA के क्वेश्चंस में ये सब मिलता है तुमको, और ये सब मिक्सचर हो जाएगा तो वो हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज शुरुआत से तो वो क्या करेंगे, एक एक धीरे धीरे एडजस्टमेंट ऐड करते चले जाते हैं। अब ऑडिबल हुआ सबको, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के साथ। तो चैप्टर का नाम क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सबसे पहली चीज क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमको डबल टैक्स को ही क्या करना है, अवॉइड करना है। जब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये मैम डबल टैक्स लगा कैसे पहले तो ये बता दो। तो डबल टैक्स लगता है इसलिए मैं क्या हूँ, इंडिया की रेसिडेंट हूँ। इंडिया बोलता है अगर तुम मेरे घर में रहते हो तो दुनिया में कहीं भी तुम इनकम अर्न करो तुमको टैक्स लगेगा। इसको ऐसा देखो, तुम एक फैमिली में रह रहे हो, फैमिली में रह रहे हो तो वो क्या बोलेंगे, खर्चा तो तुम्हें देना पड़ेगा चाहे तुम कहीं से भी इनकम अर्न करके आओ, क्योंकि घर में क्या है, खर्चा देना पड़ेगा। इंडिया हमारी फैमिली है, वो बोलते तुम इंडिया का पार्ट हो, इंडिया के रेसिडेंट हो, तो दुनिया में कहीं से भी तुम इनकम अर्न करो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक रेसिडेंस रूल हो गया। दूसरा, जिस जगह जाके तुम कमा रहे हो वो भी तो बोलेगा हमारे कारण तुमने ये इनकम अर्न की है, बिकॉज ऑफ मी यू आर अर्निंग दिस इनकम। सोर्स तो हम ही है, हमें कमीशन दे दो, मैं सोर्स हूं मुझे कमीशन चाहिए। वही तो कर रहा है हर कंट्री, हमारे यहाँ से इनकम कमाई, हमें उसका क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए, दैट इज टैक्स चाहिए। तो दो रीजन है जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारी इनकम डबल टैक्स होगी। एक तो जहां से तुम इनकम अर्न करके आए, दैट इज सोर्स, और दूसरा तुम जहां रहते हो वो बोलेगा मेरे यहाँ रह रहे हो कहीं से भी इनकम अर्न करो मुझे क्या चाहिए, टैक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये रीजन हुआ पॉइंट नंबर वन कि डबल टैक्स अवॉइडेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि डबल टैक्सेशन होता है, क्यों होता है, सोर्स या रेसिडेंस रूल। तो पॉइंट नंबर वन पहले लर्न करो, लिखा हुआ सब मिल जाएगा। पॉइंट नंबर वन, डबल टैक्सेशन होता क्या है, सोर्स रूल के कारण होता है और रेसिडेंस रूल के कारण तुम्हारा डबल टैक्सेशन होता है। इसके बाद यहाँ तो ये डबल टैक्सेशन हो गया, अब बोल रहे कि इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है। ध्यान देना, अवॉइड करने के लिए तुम्हारे पास आएगा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करोगे, क्या करोगे, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मैम लेकिन जरूरी नहीं है हर कंट्री के साथ क्या हो हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसका तरीका फिर इन्होंने अलग दे के रखा। और तुम्हें क्वेश्चन किस पे आते हैं, दूसरे तरीके पे आते हैं, जब DTAA नहीं होगा तब क्या होगा। तो बीइंग एग्जाम ओरिएंटेड, सबसे पहले सोर्स रूल या फिर रेसिडेंट रूल के कारण तुम्हें डबल टैक्सेशन लग रहा है, या तो एग्रीमेंट होगा कंट्रीज के साथ तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्रेडिट अलाउ करेंगे टैक्स पे। लेकिन अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तब तुम क्या करोगे, अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तब तुम्हें क्या करना होगा, तब ये रूल्स फॉलो करने होंगे जो मैं अभी पहले तुम्हें बता रही हूँ। जब जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये पांच पॉइंट अगर तुम नहीं लिख के आए तो अगर वो छह नंबर का क्वेश्चन होगा तो भले ही तुमने सॉल्व किया तुम्हें दो ही मार्क्स देंगे, ये पांचों पॉइंट लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी। तो जब क्वेश्चन दिया है एग्जाम में कि DTAA नहीं है, फॉरेन की इनकम है, DTAA नहीं है, फॉरेन की इनकम है और पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो पांच पॉइंट तुम्हें क्या लिखने होते हैं। पॉइंट नंबर वन, द पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो DTAA बिटवीन बोथ द कंट्री, दोनों कंट्री में कोई DTAA नहीं है, फॉरेन में वो टैक्स पे करके आ चुका है, तीसरा नंबर का पॉइंट, DTAA नहीं है, सामने वाला इंडिया का रेसिडेंट है, फॉरेन में वो क्या कर चुका है, टैक्स पे करके आ चुका है। ये पॉइंट्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अगर तुमने ये पॉइंट्स नहीं लिखे तो 101% अगर छह नंबर का क्वेश्चन है दो मिलेंगे। तो जब जब DTAA का क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट्स हमें ये सारे क्या करने होंगे, लिखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का, सेकेंड उसे फॉरेन कंट्री में इनकम होती है, फॉरेन कंट्री में उसका टैक्स क्या हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है, और DTAA एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चारों पॉइंट आएंगे ही आएंगे, इसको लिख के रखो अब, कि जब भी क्वेश्चन आएगा नो DTAA वाला, ये चार पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है आंसर में। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोलते हैं कि जब तुम्हारा DTAA नहीं है
जब तुम्हारा क्या है DTEE नहीं होगा तो सॉल्यूशन का तरीका, टोटल इनकम को तो ऐसे कैलकुलेट करो भूल जाओ कि फॉरेन की कोई इनकम नहीं। सबसे सिंपल तरीका तुमको बता रही हूँ, DTEE का क्वेश्चन आए तो तुम नॉर्मली क्या करो, अपना टैक्स कैलकुलेट करो, भूल जाओ कि तुम DTEE करो। बस मैं सपोज करो दीक्षा है, दीक्षा की फॉरेन में इनकम हुई है, मैं तो ऐसे कैलकुलेट कर रही हूँ इंडिया में जैसे उसको टैक्स कितना लगना चाहिए, पूरा सेज निकाल लिया, अगर सरचार्ज है सरचार्ज कैलकुलेट कर लिया, सब कुछ ऐसे किया कि मुझे पता ही नहीं कि DTEE के मुझे कॉन्सेप्ट लगाना, टैक्स निकल के आ गया तुम्हारा। अब इस टैक्स को क्या करना है, तुम्हें एवरेज निकालना है कि एवरेज रेट क्या होगा। अब एवरेज रेट कैसे निकालते हैं हम, तो हम निकालेंगे ग्रॉस टैक्स कितना निकल रहा है दीक्षा का डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले भूल जाना है कि DTEE नामक कोई चीज है, मैं तो क्या करूंगी इसका पूरा टोटल इनकम करके इसका ग्रॉस टैक्स निकालूंगी। ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम करा इंटू 100, ये मुझे मिल जाएगा एवरेज टैक्स रेट। ये बड़े काम की चीज है, ये मुझे क्या मिल जाएगा एवरेज टैक्स रेट, और यही मेरे लिए क्या है काम की चीज है। एवरेज टैक्स रेट निकाल लिया, अब मैं कंपेयर करूंगी कि दीक्षा ने फॉरेन में कितनी इनकम पे टैक्स कितना भरा है। अब देखो टैक्स देने का तरीका बोलेगा या तो 10% ये देके आइए, या वो बोलेगा 10,000 रुपए का टैक्स देके आइए, या बोलेगा इनकम में 10,000 का टैक्स इंक्लूडेड है। तो मुझे सिर्फ निकालना है कि दीक्षा ने फॉरेन में टैक्स कितना पे किया है। अगर 10% पे किया है तो अभी सिर्फ मैं लेती हूँ 10%, तो 10% और सपोज करो मेरा ये जो रेट निकल के आया 8%, विच एवर इज लोअर करेंगे, 8% लोअर है, और इस 8% को मैं क्या करूंगी, जो इनकम मेरी डबली टैक्स हो रही है, जो इनकम मेरी क्या है डबल टैक्स हो रही है, याद करो अभी मैंने बताया था इनकम डबल टैक्स कौन सी हो रही है मेरी, एक्चुअल में 7 लाख डबल टैक्स हो रहा है अगर 3 लाख का मुझे कुछ डिडक्शन मिला है तो। तो जो डबल टैक्स इनकम होती है, सपोज करो यहाँ मेरी 7 लाख डबल टैक्स इनकम है, इस पे 8% निकाला मैंने, जो आंसर आएगा वही रिलीफ मिलेगा इसको टैक्स में, जो आंसर आएगा उसी का क्या मिलेगा रिलीफ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी क्या है फॉरेन की इनकम है, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, फॉरेन की इनकम है, तो यहाँ पे अगर आपका DTEE का एग्रीमेंट नहीं है और टैक्सेस आपके ऑलरेडी फॉरेन में क्या हो चुके हैं डिडक्ट हो चुके हैं, तो स्टेप नंबर 1 इनकम को ऐसे कैलकुलेट करो कि DTEE का कोई कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं, टैक्सेस निकाल लो ऐसे कि बस यही लास्ट स्टेज है, मुझे तो बस टैक्स निकाल के इसको फ्री करना है, सेस लगा दिया सरचार्ज लगा दिया सब लगा दिया, निकल गया तुम्हारा ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स का परसेंटेज निकालो, वो निकलता है तुम्हारा एवरेज। तो जो भी ग्रॉस टैक्स है ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम किया, परसेंटेज निकल गया। सपोज मेरा परसेंटेज निकला 8%, अब देखो ये फॉरेन में कितना टैक्स पे करके आई है, अगर डायरेक्ट परसेंटेज दिया है कि 10% का टैक्स फॉरेन में दिया है, तो 8% एंड 10% को कंपेयर करो, विच एवर इज लेस, ये जो लेस है इस लेस को उठा के तुम्हें वो इनकम जो डबली टैक्स हो रही है उस पे क्या करना है, तुम्हें क्रेडिट अलाउ करना है। ये बार बार होता रहेगा, बार बार होगा और यही होगा, मैम ऐसा नहीं दिया, अब उसने 10% नहीं दिया, उसने क्या देके रखा है, उसने दिया है 10,000, उसने क्या देके रखा है 10,000 देके रखा है। अच्छा अगर 10,000 दिया अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो 10,000 का टैक्स को फॉरेन में पे करके आइए, ये चेक करो उसको इनकम कितनी हुई है वहां पे, तो उसने बताया 10 लाख की इनकम पे वो 10,000 का टैक्स दे के आई है, क्या मैं परसेंटेज निकाल सकती हूँ, 10,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो वो जो परसेंट आएगा उस परसेंट को फिर से मुझे मेरे एवरेज टैक्स रेट से कंपेयर करना है, विच एवर इज लेस जो आएगा डबल टैक्स इनकम जो होगी उस पर मुझे वो परसेंटेज को क्या करना है अप्लाई करना। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, कोई डाउट है, ये तरीका है उनका क्वेश्चन देने का, और यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है जो बार बार तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। इस ये एक कैटेगरी है, चैप्टर की भी एक कैटेगरी बोलते हैं, ये एक कैटेगरी ये है, इसके बाद सारे एलिमेंट्री स्टार्ट होते हैं जिससे चांसेस है कि बाय चांस क्वेश्चन आ जाए।
तो सबसे पहले मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ. DTAA में सबसे पहले बोलते हैं कि या तो सोर्स रूल या रेसिडेंस रूल, या तो सोर्स या रेसिडेंस रूल के कारण तुमको डबल बार टैक्स लगेगा. अगर तुम्हारा DTAA नहीं है तो ये 5 पॉइंट तुम क्वेश्चन में लिख के ही आओगे, फिर ही सॉल्व करना कि पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसका क्या है फॉरेन में इनकम है, फॉरेन में टैक्स डिडक्ट हो चुका है और फॉरेन कंट्री और हमारा कोई भी DTAA नहीं है. ये लिखने के बाद नॉर्मल लेवल पे टैक्स का कैलकुलेशन करो, जैसे DTAA के कॉन्सेप्ट तुम्हें आते ही नहीं है. नॉर्मल लेवल पे तुमने पूरा टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उसका एवरेज रेट निकालो. एवरेज कैसे निकलेगा, ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, ये तुम्हारा एवरेज रेट निकल गया. उसके बाद देखो फॉरेन में कितने परसेंट पे दिया है, डायरेक्ट या तो 10% क्वेश्चन देगा या फिर क्या देगा, 10% नहीं दिया तो तुमको देगा 10,000 का एब्सोल्यूट टर्म दे देगा, या फिर बोलेगा इनकम में इतना टैक्स इंक्लूडेड है. या तो परसेंट दिया तो डायरेक्ट परसेंटेज से एवरेज टैक्स क्या करो, कंपेयर करो. अगर वो नहीं दिया है तो परसेंटेज निकाला जा सकता है, तो टैक्स डिवाइड बाय इनकम से परसेंटेज निकाल के कंपेयर करो और फिर जो इनकम डबल टैक्स हो रही है, अब भी मैंने बोला डबल टैक्स वो की जिसपे पूरे पे इंडिया में टैक्स लगेगा, डिडक्शन हटाने के बाद डबल टैक्स इनकम निकलती है, वो निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना क्रेडिट सामने वाले को अलाउ करना है. क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट है स्वाति? ठीक है, अब आते हैं हम उस दुनिया में जो नॉर्मल लेवल पे है, जिसके क्वेश्चंस नहीं देके रखे. जो ये है सबसे पहले कि अगर तुम्हारे पास DTAA होता तो, अगर मेरे पास DTAA तो DTAA जो बोलेगा मैं वैसा करूंगी. अगर DTAA ने बोला है कि रेसिडेंट वाले, देखो अब दो जगह टैक्स हो रहा है, एक रेसिडेंट वाली कंट्री में भी टैक्स हो रहा है, एक सोर्स वाली कंट्री में भी टैक्स हो रहा है, तो DTAA बताएगा सोर्स वाली कंट्री ही टैक्स लेगी, मुझे वही करना होगा. DTAA बताएगा जिस जगह पर्सन रेसिडेंट है वही कंट्री टैक्स लेगी, मुझे उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, टैक्स करना होगा. तो इसके क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये एंटायरली किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा DTAA क्या कहता है. अब इस पे एक क्वेश्चन अच्छा दिया है तुम्हारा, बोलते हैं कि एक पर्सन है दोनों जगह रेसिडेंट है, एक पर्सन है जिसका क्या है दोनों जगह रेसिडेंट है, दोनों जगह क्या है उसका बिजनेस इनकम भी है, तो ऐसे में कहाँ पे तुम फ्लेक्सिबिलिटी करोगे. मैं ये देखो तुम इतना तो अभी तक इतना तो थोड़ा बहुत जानते हो, एक पर्सन इंडिया में भी रेसिडेंट हो सकता है, अब्रॉड में भी रेसिडेंट हो सकता है. तो DTAA बोलता है कि जहाँ पे जो पर्सन रेसिडेंट है वही कंट्री क्या लेगी, टैक्स लेगी. अब ये भी तो हो सकता है एक पर्सन दोनों जगह रेसिडेंट हो, तो बोलते जब पर्सन दोनों जगह रेसिडेंट होगा ये देखो कि उसका क्लोजेस्ट बिजनेस कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तो जहां उसका क्लोजेस्ट बिजनेस कनेक्शन जाएगा वहां की कंट्री क्या लेगी, टैक्स लेगी, ऐसा देख के रखा है जो यहाँ ने दिया. आगे के चैप्टर जो तुम्हारे वहां पे देख के रखा है हमको कवर यहीं पे करना है क्योंकि क्वेश्चन उसका यहाँ पे कवर होता है, वो आगे के चैप्टर में दिया लेकिन वो एक ही पॉइंट है जो यहाँ कवर होता है. तो अब तक मैंने बोला अगर तुम्हारे पास DTAA है तो DTAA को चेक करो कि DTAA क्या बोलता है. DTAA ने बोला रेसिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेगी तो रेसिडेंट वाली लेगी, सोर्स वाली बोला है तो सोर्स वाली लेगी. अगर बोला है कि रेसिडेंट वाली, अब दोनों जगह सामने वाला रेसिडेंट है तो क्लोजेस्ट बिजनेस कनेक्शन उसका कहाँ है वो कंट्री क्या लेती है, टैक्स लेती है. पॉइंट नंबर वन हो गया क्यों डबल टैक्स होता है. पॉइंट नंबर टू हो गया जब डबल टैक्स नहीं होगा तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे. पॉइंट नंबर थ्री जब डबल टैक्स एग्रीमेंट है तब क्या करना है. अब पॉइंट नंबर फोर मैम, सपोज करो कि फॉरेन कंपनी है, अभी आपने पोयम के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है बट फॉरेन कंपनी पोयम के कॉन्सेप्ट, अगर पोयम समझते हो ना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाले, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है तुमको यहाँ पे. पोयम है, अगर पोयम के कारण एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट बन गई, पोयम के कारण अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट बन जाती है तो क्या होगा. तो देखो ये तो है मेरी क्या फॉरेन कंपनी, ये बिकॉज ऑफ पोयम, पोयम एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें NR टैक्सेशन में आएगा, अभी नहीं है तुमको. ये पोयम बताता है कि एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट हो सकती है या फिर इंडिया की रेसिडेंट नहीं हो सकती. तो अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट हो गई क्योंकि पोयम की सारी कंडीशन उसने फॉलो कर ली, तब क्या होगा.
बोलते अगर पोयम के कारण एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट हो गई, तो अब फॉरेन कंपनी बोल रही है कि मैं तो रेसिडेंट हूँ, और एक डोमेस्टिक कंपनी को तो 30% पे टैक्स लगना चाहिए, मुझे तुम 40% पे टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो DTAA बोलता है कि टैक्स लगेगा whichever is more beneficial to SEC. DTAA बोलता है कि हम SEC को ऐसे टैक्स लगाएंगे जो क्या होगा SEC के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. तो फॉरेन कंपनी बोलती है कि पोयम के कारण तुमने मुझे रेसिडेंट बना दिया, अब रेसिडेंट कंपनी पे तो 30% टैक्स लगना चाहिए, तुम फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स लगा के ये रूल को ब्रेक कर रहे हो कि इज मोर बेनिफिशियल टू द एसईसी, नहीं है ये. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बोला गया है चैप्टर में. एक्सेप्शन क्या बोलता है कि फॉरेन कंपनी को भले ही 40% पे टैक्स लगेगा, लेकिन ये विच एवर इज लेस बेनिफिशियल टू द एसईसी नहीं माना जाता है. इसका क्वेश्चन दिया है, पूछते हैं वो कि फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स लगा दिया, फॉरेन कंपनी बोल रही है ये बेनिफिशियल टू द एसईसी नहीं है, तो बताना होगा कि ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है. वर्ड क्या बोल रहे बार बार, ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉरेन कंपनी के लिए ये लेस बेनिफिशियल टू द एसईसी नहीं माना जाएगा, फॉरेन कंपनी को 40% पे ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा. पॉइंट नंबर वन था क्यों डबल टैक्स होता है, रेसिडेंट सोर्स के कारण. पॉइंट नंबर टू था DTAA नहीं हो तो 5 पॉइंट क्या ही लिखने होते हैं. फिर पॉइंट नंबर थ्री कि DTAA हो तो क्या होगा, DTAA जैसा बोलेगा वैसे ही तुमको टैक्स लगाना पड़ेगा. और पॉइंट नंबर फोर, लेस बेनिफिशियल टू द एसईसी नहीं माना जाएगा अगर फॉरेन कंपनी को पोयम के कारण रेसिडेंट बनाया और 40% पे टैक्स ले रहे हो तो. पॉइंट नंबर फाइव, मैम DTAA में एक टर्म लिख के रखी लेकिन उसका मतलब नहीं बताया. DTAA में एक टर्म लिखी हुई है, अब कुछ भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि DTAA में जो टर्मिनोलॉजी यूज की है उसका मतलब अगर DTAA ने दिया है तो वही मतलब होगा, इनकम टैक्स के मतलब लेने मत बैठना. तो DTAA जो टर्म बोलता है उसका मतलब वही होगा जो उसके DTAA ने लिख के रखा है. मैम DTAA ने कुछ लिखा ही नहीं है मीनिंग, तब तुम कौन सा मीनिंग लोगे जो इनकम टैक्स एक्ट का मीनिंग होता है. तो पॉइंट नंबर फाइव क्या है हमारा, DTAA में एक वर्ड लिखा है उसका मीनिंग जो DTAA बोलेगा वही होता है. मैम DTAA ने कोई मीनिंग नहीं बोला, अगर DTAA ने कोई मीनिंग नहीं बोला तो उसका मीनिंग वो होता है जो इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा. मैम अब तो DTAA ने भी कुछ नहीं बोला और इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ नहीं लिखा उस वर्ड का मीनिंग, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन जो मीनिंग बोलेगा रेट्रोस्पेक्टिव उसका वही मीनिंग माना जाएगा. आज नोटिफिकेशन आया, 2010 में DTAA हुआ था, तो नोटिफिकेशन आज आया है उसका मीनिंग रेट्रोस्पेक्टिव क्या करोगे 2010 से तुम क्या करोगे, अप्लाई करोगे. पॉइंट नंबर फाइव हो गया. तो ऐसे पॉइंटर्स पे तुमको चैप्टर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए पहले क्यों डबल टैक्स होता है, सोर्स रूल रेसिडेंट रूल. DTAA नहीं होगा तो 5 पॉइंट कौन से लिखने हैं, कि सामने वाला पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है, फॉरेन इनकम होती है, टैक्स फॉरेन कंट्री में दे चुका है और इंडिया के साथ DTAA नहीं है. ऐसे कैलकुलेट करो टैक्स जैसे DTAA का काम ही नहीं है. ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम से एवरेज रेट निकाल लो और बाहर कितना टैक्स रेट देके आया है उससे कंपेयर करो. विच एवर इज लेस है, विच एवर इज लेस पे फॉरेन डबल टैक्स इनकम कौन सी हो रही है उस पे उसको क्या देना है, मुझे क्रेडिट देना. थर्ड नंबर पॉइंट मैम DTAA होगा तो क्या होगा, DTAA बोलता है रेसिडेंट वाला टैक्स लेगा तो रेसिडेंट लेगा, सोर्स वाला बोलता है तो सोर्स लेगा. मैम कोई पर्सन दोनों जगह रेसिडेंट है तो जहाँ पे उसका क्लोजेस्ट बिजनेस कनेक्शन है वो वाली कंट्री क्या लेगी, टैक्स लेगी. फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है मैम कि अगर 40% पे फॉरेन कंपनी को टैक्सेबल कर दिया तो बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन है, आंसर में भी एक्सप्लेनेशन ही लिखना. एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को तुम 40% पे टैक्सेबल करते हो तो विच एवर इज लेस बेनिफिशियल टू द एसईसी नहीं माना जाता है. फिर उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट की मैम अगर मीनिंग DTAA में दिया है तो वही होगा. मैम DTAA में मीनिंग नहीं दिया है तो इनकम टैक्स देखो. मैम दोनों में ही मीनिंग नहीं दिया है तो नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उसका रेट्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा. अब सेवेंथ पॉइंट ध्यान से सुनना, तुमको क्वेश्चन आया कि DTAA का बेनिफिट रेसिडेंट लेना चाहता है,
रेसिडेंट DTAA का बेनिफिट लेना चाहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द SCCA उसके हिसाब से वो DTAA का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन लेकिन जब तुमको क्वेश्चन में देंगे नॉन रेसिडेंट को DTAA का बेनिफिट लेना है इंडिया में, रिपीटिंग माई सेंटेंस अगेन, एक नॉन रेसिडेंट को DTAA का बेनिफिट कहाँ लेना है, इंडिया में लेना है, तो याद रखो तुम्हें ये सब लिखना पड़ेगा, ये जो TRC लिखा है ना, एक नॉन रेसिडेंट अगर DTAA का बेनिफिट इंडिया में लेना चाहता है तो उसको टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसे क्या देना पड़ेगा? टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब उस टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, जिस कंट्री का वो है ना, कंट्री ऑफ ओरिजिन ही टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट देती है कि तुम यहाँ के रेसिडेंट हो। तो इंडिया को दिखाओ, इंडिया और मलेशिया का DTAA है, हम सिर्फ मलेशिया वालों को ही DTAA का बेनिफिट देंगे, तो इंडिया को प्रूफ चाहिए ना कि भाई सच में तुम मलेशिया वाले हो या नहीं, तो मलेशिया वाले क्या देंगे, टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट देंगे। और टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट देके तुम बताओगे कि देखो मैं सच में मलेशिया वाला ही हूँ। तो नॉन रेसिडेंट को क्या देना पड़ता है? टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन जब नॉन रेसिडेंट का आएगा कंपलसरी TRC लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब TRC में क्या क्या होना चाहिए? TRC में स्टेटस ऑफ द SCC होना चाहिए, उसका अगर उसके पास पेन है तो पेन होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए, कितने टाइम वो वहां पे रहा है, तो ये कुछ डिटेल दी है, ये सारी डिटेल, एड्रेस ऑफ द SCC होना चाहिए, उसका पेन अगर उसके पास है तो वो होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, इसको अभी हम लर्न करेंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैम अगर ये सारी चीजें TRC में ही है तो अलग से इस डॉक्यूमेंट्स को देने की जरूरत नहीं है, मगर अगर TRC में उसका स्टेटस नहीं है, इफ अगर उसके पास पेन है तो पेन की डिटेल नहीं है, उसका नेशनलिटी की डिटेल TRC में नहीं है, उसके बाद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसको कंट्री ने दिया है बाहर वाली उसकी डिटेल नहीं है, तो उसको अलग से डॉक्यूमेंट देने होंगे, और ये सारी चीजें अगर TRC में है तो सिर्फ एक TRC उसको DTAA के बेनिफिट के लिए क्या करना होगा, देना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? 6 पॉइंट्स ये हुए, सातवां ये था TRC वाला कि TRC उसको क्या करना होगा, देना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा DTAA का, पॉइंट नंबर 8 जो बोलता है कि ये DTAA करता कौन है। तो DTAA में एंटर कौन कर सकता है? एक स्पेसिफाइड एसोसिएशन इंडिया की, दूसरे स्पेसिफाइड एसोसिएशन जो इंडिया के बाहर है उससे भी क्या कर सकती है, हमारा DTAA कर सकती है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, DTAA में एंटर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जब DTAA करते हैं वो क्यों होता है। तो बोलते हैं कि अब DTAA में हम एंटर करेंगे इसलिए ताकि डबल टैक्स नहीं हो, DTAA में एंटर करेंगे ताकि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, जो अमेंडमेंट है, DTAA में हम एंटर करेंगे इसलिए ताकि टैक्स ट्रिटी शॉपिंग ना हो पाए। ट्रिटी शॉपिंग का मतलब क्या है? ट्रिटी शॉपिंग का मतलब ये, मेरा मलेशिया के साथ क्या है, एग्रीमेंट है कि तुम्हारे यहाँ से मैन्युफैक्चर की हुई चीज कुछ भी इंडिया में आएगी, तुम्हारे यहाँ से मैन्युफैक्चर की हुई चीज कुछ भी इंडिया में आएगी, हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब ये बात चाइना को पता चल गई कि भाई मलेशिया से मैन्युफैक्चर हुई कोई भी चीज इंडिया में आती है तो टैक्स नहीं लगता है, तो चाइना ने क्या किया, एक यूनिट मलेशिया में स्टेब्लिश कर दी। अब लग तो क्या रहा है, मलेशिया से मैन्युफैक्चर होती चीजें आ रही, लग क्या रहा है, मलेशिया से मैन्युफैक्चरिंग होती चीजें क्या आ रही है, इंडिया में आ रही है, बट एक्चुअल में क्या हुआ, ये ट्रिटी शॉपिंग। एक्चुअल चाइना और इंडिया के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं था, इन्होंने क्या किया, लूप होल को यूज किया, मलेशिया में एक यूनिट बिठाई, यूनिट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में चीजें बेच रही। तो बोले DTAA हम ऐसा बनाएंगे कि ट्रिटी शॉपिंग को जितना हो सके हम क्या कर पाए, अवॉइड कर पाए। तो दिस इज योर चैप्टर, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि डबल टैक्स कब होता है मैम, सोर्स रूल या रेसिडेंस रूल के कारण। पॉइंट नंबर 2 था मैम DTAA नहीं होगा तब क्या होगा, तो मुझे 5 पॉइंट याद रखने हैं, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड पॉइंट उसको फॉरेन कंट्री में इनकम हुई है, थर्ड पॉइंट फॉरेन कंट्री में भाई साहब ने टैक्स भर दिया है, फोर्थ पॉइंट DTAA इंडिया के साथ नहीं है।
ऐसे कैलकुलेट करो टैक्स जैसे कि DTAA नाम की चीजें है ही नहीं, सारी इनकम को टोटल करो, उसका टैक्स निकालो, सेल्स लगाओ, ग्रॉस टैक्स निकालो, ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम करके परसेंटेज निकाल लो। ये जो परसेंटेज है एवरेज परसेंट इसका नाम दिया गया। देखो फॉरेन में कितना टैक्स पे करा, 10%, 10,000 दिया है तो परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लो। अब दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लेस, 8% हमारा लेस निकला था, इसको जो डबल टैक्स हो रहा है ना इनकम, उस डबल टैक्स पे क्या कर लो, अप्लाई करके क्रेडिट ले सकते। मैम DTAA है तब क्या करेंगे, अगर DTAA है तब क्या करोगे, DTAA बोलता है रेसिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेगी, रेसिडेंट लेगी, सोर्स बोला है तो सोर्स लेगी, अगर बोला है कि दोनों ही रेसिडेंट है तो मैम विच एवर जिसका सबसे क्लोजेस्ट बिजनेस कनेक्शन है वो कंट्री क्या लेगी, टैक्स लेगी। फिर पॉइंट हमारा रहता है मैम फॉरेन कंट्री, हाँ भाई फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया की रेसिडेंट बन गई पोएम के कारण, तो बोलते भले ही 40% पे टैक्स ले रहे हो, विच एवर इज लेस बेनिफिशियल टू द SEC नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद आया मैम DTAA में कोई वर्ड लिखा उसका मीनिंग, जो DTAA बोलता है वही होगा, मैम उसमें नहीं लिखा है, इनकम टैक्स पे जाओ, हम दोनों में नहीं लिखा है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसका क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। मैम एक रेसिडेंट को DTAA का बेनिफिट लेना है कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो नॉर्मल आंसर है विच एवर इज लेस बेनिफिशियल टू द SEC, यही आंसर में आएगा। लेकिन मैम एक नॉन रेसिडेंट को लेना है तो TRC चाहिए उसको, टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट। मैम कौन देता है, बाहर की कंट्री टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट देती है ये प्रूफ करने के लिए कि ये बंदा हमारा ही रेसिडेंट है। इसमें अगर स्टेटस नहीं दिया है SEC का, उसके पास पेन है पेन की डिटेल नहीं दी है, उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया है, उसकी नेशनलिटी नहीं दी है, या फिर कितने टाइम तक वो इंडिया के बाहर मतलब वहां का रेसिडेंट कितने टाइम तक रहा है, ये सारी चीजें नहीं दी है TRC में, तो अलग से डॉक्यूमेंट की कॉपी दो, और अगर TRC में ये सब है तो सिर्फ एक TRC ही क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। फिर इसके बाद मैम ये DTAA में एंटर कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया है स्पेसिफाइड एसोसिएशन को कि वो दूसरी कंट्री के स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ क्या कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है। दिस इज एंटायर DTAA। इसमें आप कोई डाउट है तो पहले पूछो, फिर हम रीडिंग करेंगे चैप्टर। डाउट है तो पूछो। है कि नहीं भाई, बोलो तो सही। नो मैम। नो मैम। यहाँ तक गया भी कि नो मैम, यहाँ तक गया? हाँ जी। अब ये पॉइंट्स है ना हमको लिख के रखने, PDF हमारा जो भी कॉपी होगी ना उसमें ये पॉइंट्स के थ्रू ही तुमको एग्जाम टाइम पे ना ये चैप्टर रिवाइज करना, एंड हार्डली इट विल टेक यू 5 मिनट्स टू रिवाइज अ चैप्टर। अगर ये पॉइंटर्स याद है दिमाग में तो तुम्हें पता होगा ये करना है। अब एक बार इसकी पूरी क्या करनी है, रीडिंग करनी है, और रीडिंग करके मैं तुम्हें हाईलाइट करना सिखा दूंगी। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि हमको बुक के साथ होली खेलनी होती है, बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड ही हाईलाइट होके तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो उठा लो अपने हथियार, हाईलाइटर्स उठा लो और बुक खोल लो, तो हम हाईलाइट करना सीखें। अभी तो ऑडियो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, तुमने मुझे हिलने भी नहीं दिया। चलो निकाल लिया पेज नंबर 86। चलो सबसे पहले लिखा है डबल टैक्सेशन मींस सेम इनकम गेटिंग टैक्स ट्वाइस। तो इसमें सिर्फ क्या लिखना है तुम्हें, सेम इनकम हाईलाइट करो, सेम इनकम टैक्स ट्वाइस, यही दो वर्ड है जो तुम्हें बताएंगे, ये है डबल टैक्सेशन का मतलब। सेम इनकम हाईलाइट करो, टेक्स्ट वाइज हाईलाइट कर दो, और आगे इन द हैंड्स ऑफ सेम SEC, तो किसको हाईलाइट करना है, सेम SEC। अब तुम इस लाइन को पूरा पढ़े बिना क्या मतलब बता सकते हो कि सेम इनकम को दो बार टैक्स करना है एक ही SEC के हैंड में, उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन। तो ऐसे होली मत खेला करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करो। एनी कंट्री टैक्सेस इनकम ऑन द बेसिस ऑफ टू रूल्स, सिर्फ हाईलाइट क्या होगा, टू रूल्स, दो रूल्स क्या है, रेसिडेंट रूल, सोर्स रूल, ये हाईलाइट होगा। तो कोई भी कंट्री सोर्स और रेसिडेंट रूल के बेसिस पे क्या करती है, टैक्सेशन करती है, तो वो हाईलाइट हो गया।
फिर डबल टैक्सेशन इज पॉसिबल व्हेन एसएससी इज रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड डिराइव्स इनकम फ्रॉम अनदर कंट्री. इसको हमें देखने की जरूरत नहीं, हम भी समझते हैं एक इंसान एक जगह रेसिडेंट है और इनकम दूसरी जगह ले रहा है, वो कवर हो गया रेसिडेंट एंड सोर्स रूल में, तब उसको दो बार इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा. सपोज मिस्टर बीबी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकम उनकी यूके से हो रही है, तो इंडिया रेसिडेंट रूल पे टैक्स लेगा और यूके किस रूल पे टैक्स लेगा, सोर्स रूल पे टैक्स लेगा. तो ये एक एग्जाम्पल है, अगर तुम्हें लग रहा है कि समझने की तुम्हें वापस रीड करना पड़ेगा कभी तो इसको सिर्फ स्टार मार्क करना, अदरवाइज तुम्हें मुझे लगता है कि बेसिक का आ गया होगा. ठीक है, अब इसको हाईलाइट करो. टू टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ, टू टाइप डबल टैक्स रिलीफ, टू टाइप पे हाईलाइट करो और डबल टैक्सेशन रिलीफ. और ये जो ब्लू ब्लू दिया है ना, ये ब्लू का नो डीटी डबल ए एंड डीटी डबल ए, या तो डीटी डबल ए होगा तुम्हारे पास या तो डीटी डबल ए नहीं होगा, ये दो वर्ड्स हाईलाइट होने चाहिए. फिर इसके बाद यहाँ पे जब तुम्हारा डीटी डबल ए होता है उसको बोलते हैं टैक्स एग्जेम्पशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड. इसका कहीं से कहीं तक तुम्हें पूरे क्वेश्चन में भी यूज नहीं आएगा पर हमें पता होना चाहिए. तो बोलते हैं अंडर टैक्स एग्जेम्पशन मेथड इनकम इज टैक्स ओनली सोर्स कंट्री. देखो ये काम का क्या है, ये एमसीक्यू के लिए तुम्हें काम आ सकता है. बोल रहा है जब टैक्स एग्जेम्पशन मेथड होती है सिर्फ सोर्स कंट्री टैक्स लगाती है और रेसिडेंट कंट्री में एग्जेम्प्ट होता है. ये एमसीक्यू में वो गोल गोल घुमा के पूछ सकते हैं, चार ऑप्शन कुछ भी दे देंगे वो, तो तुम्हें पता होना चाहिए सोर्स कंट्री में टैक्स होता है, रेसिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट होता है. सिर्फ हाईलाइट कर लो टैक्स इन सोर्स कंट्री, एग्जेम्प्ट इन रेसिडेंट कंट्री. कर लिया. फिर अंडर टैक्स क्रेडिट मेथड इनकम इज टैक्सेबल इन बोथ कंट्री इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्पेक्टिव टैक्स लॉ. अब देखो सुनो, हाईलाइट कुछ मत करना पर उसको फिर पढ़ो क्या लिखा है. टैक्स क्रेडिट मेथड कहता है दोनों कंट्रीज में इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव टैक्स लॉ. क्या मैं तुम्हें यही बता रही थी कि फॉरेन में भले ही डिडक्शन मिले ना मिले, अगर इंडिया डिडक्शन देगा वो हमें देना ही है क्योंकि हमारे इंडिया का टैक्स लॉ बोलता है डिडक्शन देना है. वही चीज तुम अप्लाई कर रहे थे अब तक कि दोनों कंट्रीज हैं, दोनों कंट्री का टैक्स जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स लगेगा. तो तुम देखो ना, इंडिया में मैंने बोला था ना कि भले ही फॉरेन कंट्री बोलता है ये एक्सपेंस डिसअलाउ है, इंडिया अगर अलाउ करता है तो तुम्हें वो एक्सपेंस देना है क्योंकि हम इंडिया के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं. क्या ये बात मेरी क्लियर हुई तुम लोग को? हाँ ना बोलो, मुझे समझ नहीं आएगा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार रिपीट कर. देखो यहाँ क्या लिखा है कि दोनों कंट्रीज में जो टैक्स लगता है, दोनों कंट्री में जो टैक्स लगता है उनके टैक्स लॉ के हिसाब से लगेगा. तो अपन यही बात तो शुरू से कर रहे हैं ना कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फॉरेन कंट्री में ये डिसअलाउ है तो भी हम इंडिया में उसको अलाउ करके ही रहेंगे क्योंकि इंडिया का लॉ बोलता है इसको अलाउ करना. तो वही हो गया ना, रिस्पेक्टिव लॉ के अकॉर्डिंग चलो, इंडिया अगर अलाउ करता है तो अलाउ करना ही पड़ेगा और अगर फॉरेन कंट्री डिसअलाउ करती है तो फॉरेन में डिसअलाउ रहने दो. क्या अब ये बात समझ में आई? डाउट है किसी को भी? क्लियर. बढ़ू आगे? फिर इसके बाद द कंट्री ऑफ रेसिडेंट, द कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ टैक्स पेयर हाउएवर अलाउज हिम क्रेडिट फॉर टैक्स चार्ज देयर ऑन इन कंट्री ऑफ सोर्स. देखो ये जो बात बोल रहा है कोई वही बोल रहा है, भले ही फॉरेन में तुमको टैक्स लग गया, सोर्स फॉरेन था तुम्हें टैक्स लग गया, लेकिन इंडिया तुम्हें क्रेडिट अलाउ कर देगा. अब वही क्रेडिट की मेथड तो हमने आगे देखी है, ऐसे कैलकुलेट करो जैसे डीटी डबल ए है ही नहीं, वो टैक्स क्रेडिट की ही मेथड है कि कैसे टैक्स क्रेडिट अलाउ करोगे. तो तुमने एवरेज टैक्स निकाला था, फिर तुमने क्या निकाला था वहां पे कितने परसेंट पे टैक्स पे किया, विच एवर इज लेस किया, और फिर डबल टैक्स इनकम पे तुमने अप्लाई किया तो वो टैक्स क्रेडिट ही निकलता है. क्वेश्चन करके तुम्हें ये चीज और अभी क्लियर होगी. फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 90 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 90 बोलता है फॉरेन कंट्री या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट होता है तो कौन एंटर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ एंटर करती है. इसमें कोई हाईलाइट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ए पे बोला है कि क्यों क्यों एंटर करे, तो देखो सबसे पहले बोला है
फॉर ग्रांटिंग रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्स, डबल टैक्स से रिलीफ करना है इसलिए हम एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे आगे थर्ड नंबर लाइन पे जाओ, ट्रिटी शॉपिंग अरेंजमेंट को अवॉइड करना, अवॉइडेंस ऑफ ट्रिटी शॉपिंग अरेंजमेंट। जो अभी हमने देखा ना एक्चुअल अरेंजमेंट था मलेशिया इंडिया के बीच में, चाइना ने बेमतलब में क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मलेशिया में एस्टेब्लिश की ताकि चाइना को वो बेनिफिट मिल जाए। तो ट्रिटी शॉपिंग मतलब तुम्हारे लिए नहीं था ये एग्रीमेंट, तुमने ऐसे अरेंजमेंट किया कि तुमको उसका बेनिफिट मिलने लग जाए, दैट इज नोन एज ट्रिटी शॉपिंग एग्रीमेंट। इसको हाईलाइट कर लो, इस पे केस स्टडी पूछ के तुमसे पूछ सकता है ये किस तरह का अरेंजमेंट है, तो ये एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको हाईलाइट करो, अवॉइडेंस ऑफ ट्रिटी शॉपिंग अरेंजमेंट। कर लिया। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। क्यों इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, टैक्स की रिकवरी के लिए, टैक्स वगैरह रिकवर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री या स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट करती है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। स्वाति सेकेंड नंबर पे क्यों करती है, सेकेंड नंबर पे अवॉइडेंस ऑफ ट्रिटी शॉपिंग करने के लिए, और थर्ड नंबर पे डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या है, DTAA और इनकम टैक्स एक्ट। ये कुछ पढ़ा क्या अभी अपन ने, प्रोविजन ऑफ DTAA इनकम टैक्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द SEC शैल अप्लाई। जो SEC के लिए बेनिफिशियल होगा वही अप्लाई होगा। सपोज करो एक इनकम है, मेरी इनकम पे 10% भी टैक्स लग सकता है, मेरी इनकम पे 15% भी लग सकता है, क्योंकि दोनों सेक्शन के इस कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो बेनिफिशियल क्या है SEC के लिए, 10%, तो तुम 10% पे ही उस पे क्या लोगे, टैक्स लोगे। यहाँ पे कुछ लिखा है however provision of GAR apply even if provisions are not beneficial to SEC। GAR करके एक चैप्टर है तुम्हारा, GAR चैप्टर है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का। यहाँ पे तुम इतना नहीं समझ पाओगे इसको, पर याद रखना कि GAR जो है हमेशा अप्लाई होगा। तुम ऐसा कोई अरेंजमेंट करो जिससे तुमको टैक्स बेनिफिट हो जाए और वो अरेंजमेंट 3 करोड़ से ऊपर है, तुम ऐसा कोई अरेंजमेंट कर रहे हो जानबूझ के, जैसे चाइना ने किया ना, चाइना ने क्या किया, मलेशिया में यूनिट बिठाई जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट चाइना से सामान आ सकता था, तो वो वहां पे GAR के प्रोविजंस भी उस पर एप्लीकेबल हो सकते। तो वो अभी इन डिटेल GAR में नहीं जा सकते, GAR अपने आप में एक चैप्टर है, पर याद रखना जहां जहां तुम गलत तरीके से बेनिफिट लोगे ना GAR के प्रोविजन आ जाएंगे सामने। सिर्फ याद के रखना जहां जहां गलत तरीके से बेनिफिट लोगे वहां पे GAR आएगा और GAR बोलेगा तुम पे पेनल्टी लगाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें, तो वहां पे क्या आता है GAR एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ बोल रहे ऐसे तो DTAA के प्रोविजंस जो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द SEC होंगे वो लगेंगे, लेकिन जहां GAR आएगा वहां पे GAR भले ही बेनिफिशियल नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम गलत काम कर रहे हो इसलिए तो GAR आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग, तुमने गलत काम किया है इसलिए GAR आ रहा है, तो GAR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जब तुम लिख रहे होगे ना आंसर, तो ये लाइन लिखना GAR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द SEC नहीं देखा जाता है। ये इतनी सी लाइन पे अगेन MCQ की केस स्टडी फ्रेम हो सकती है, तो हाईलाइट दिस पॉइंट, प्रोविजंस ऑफ GAR अप्लाई इवन इफ नॉट बेनिफिशियल टू SEC, इसको हाईलाइट करो। MCQ वो किसी भी तरह से पूछ सकता है कि सामने वाले ने क्या किया, जैसे अपना ही ले लेते, चाइना है, चाइना ने क्या किया, मलेशिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेब्लिश करी ताकि जो मलेशिया को बेनिफिट मिलता था DTAA से वो चाइना को मिल जाए। ठीक है, अब इसको अगर मैं चाइना ना बना के इंडिया की कोई कंपनी बना देती हूँ, इंडिया की कंपनी ने जानबूझ के मलेशिया में क्या किया, यूनिट स्टेब्लिश की ताकि वहां से जो मैन्युफैक्चर होकर सामान आता है टैक्स ना लगे, ये तो उन्होंने क्या किया, गलत तरीके से टैक्स का बेनिफिट लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे GAR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अगर GAR के प्रोविजंस के कारण 10% की जगह उसको 50% पे टैक्स लग रहा है तो वो वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि GAR के प्रोविजन अप्लाई होने के बाद विच एवर इज मोर बेनिफिशियल देखा नहीं जाता है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? तो जिस तरह का भी पेपर पैटर्न चल रहा है ना, वो इन पॉइंट्स पे, ऐसे पॉइंट्स पे, घुसे हुए पॉइंट्स पे केस स्टडी बनाते, तो इसको स्टार मार्क करके रखो ताकि तुम्हें पता रहे GAR के प्रोविजन में विच एवर इज बेनिफिशियल नहीं देखना है, इसको स्टार भी कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद
द चार्ज ऑफ द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी. अब ये सेकंड वाला पॉइंट तुम ही मुझे पढ़ के समझाओ, क्या ये पढ़ा अभी अपन ने? पढ़ो सेकंड पॉइंट. कौन सा स्वाति वाला पॉइंट? म्यूट. फॉरेन कंपनी अगर 40% पे भी चार्ज हो रही है तो दैट इज नॉट लेस फेवरेबल. यस एग्जैक्टली. तो फॉरेन कंपनी को तुम कितने भी परसेंट पे टैक्स करो उनको मतलब नहीं, घर का भी बना दिया लेकिन उसको बेनिफिट कुछ नहीं दे. क्या ये सबको समझ में आ गया? यस मैम. स्वाति तुम्हारा हैंड रेज्ड ही है तब से कि तुमको कोई डाउट पूछना है बीच में, इसलिए रेज किया है. डाउट नहीं है ना? ठीक है चलो. फिर इसके बाद थर्ड वाला तुम्हारा टीआरसी का. देखो सबसे पहले ही क्या लिखा है, वर्ड क्या है सबसे पहले, नॉन रेसिडेंट टू हुम डीटीडब्ल्यू अप्लाई. रेसिडेंट के लिए टीआरसी का पॉइंट लिखने की गलती मत करना. रेसिडेंट के लिए सिर्फ वर्ड आएंगे विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी. ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए बोल रहा है. अगर नॉन रेसिडेंट को डीटीडब्ल्यू अप्लाई होता है तो उसको टीआरसी देना पड़ेगा रिलीफ क्लेम करने के लिए. थर्ड वाला पॉइंट अब पढ़ो. नॉन रेसिडेंट टू हूम DTAA अप्लाइज शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ अंडर DTAA अनलेस, जब तक वो टीआरसी नहीं देगा कि वो फॉरेन कंपनी का कंट्री का रेसिडेंट है. तो ये पॉइंट लिखना, सिर्फ नॉन रेसिडेंट जब जब आएगा टीआरसी का पॉइंट तुम आंसर में लिख के आओगे, नहीं तो दो नंबर तुम्हारे कट जाएंगे. लिख लो ये कहीं पे पेंसिल और से लिखते जाओ ये चीजें. अभी तुम्हें लग रहा है सब याद रहेगा, बाद में याद नहीं रहेगा. अब इसको तुम ये वाले पैराग्राफ को पढ़ो. अब पूछ सकते हो पूछना, ये थर्ड वाला पॉइंट जो है ये पूरा पढ़ लो. हो जाए तो हैंड रेस कर देना. दीपक, दीक्षा, मेहता, निशांत हुआ. चलो मेहताब हो गया. यस सर. चलो अब फोर्थ वाला पॉइंट क्या है. स्पेसिफाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंटर कर सकती है एग्रीमेंट में फॉरेन कंट्री के स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ. यही चीज दी है कि इन्होंने राइट किसको दिया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर करेगी डीटीडब्ल्यूए में या फिर किसी स्पेसिफाइड एसोसिएशन को भी पावर दे दी कि तुम भी क्या कर सकते हो, डीटीडब्ल्यूए में एंटर कर सकते हो. इसका कोई क्वेश्चन आना ऑब्वियसली 90% 99% पॉसिबल नहीं कि इतनी छोटी सी चीज का कोई क्वेश्चन है. अब नीचे मीनिंग लिखा है ना, टर्म जो डीटीडब्ल्यूए में यूज किया है डीटीडब्ल्यूए वाली ही मीनिंग होंगे. अगर DTAA में नहीं है तो एक्ट का मीनिंग लो, और अगर दोनों में नहीं है तो जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग है. ABC वाला पढ़ो मीनिंग.
नीचे लिखा है, फोर्थ पॉइंट में एबीसी लिखा है वो पढ़ो और उसको हाईलाइट करो, टर्म टर्म को हाईलाइट करो, टर्म DTAA हाईलाइट करो, फिर DTAA इटसेल्फ हाईलाइट करो ए वाले पॉइंट में, बी में टर्म DTAA और क्रॉस कर दो, अगर नहीं लिखा है DTAA में तो एक्ट, अगर DTAA और क्रॉस करके DTAA में नहीं लिखा है तो एक्ट के पीछे भागो, और फिर DTAA में भी नहीं है, एक्ट में भी नहीं है तो कहाँ लिखा है, सी में नॉट डिफाइंड इन DTAA और एक्ट, इसको हाईलाइट करो, सी पे लिखा है नॉट डिफाइंड इन DTAA और एक्ट, उसको हाईलाइट करो, तो फिर क्या आएगा, नोटिफिकेशन इशूड, उसको हाईलाइट कर दो, नोटिफिकेशन इशूड, और ऊपर लिखा है इफेक्ट फ्रॉम, कहाँ आएगा ये तुम्हारा पेज नंबर 88 पे ऊपर लिखा है उसका लास्ट में, इफेक्ट फ्रॉम डेट DTAA कम इन फोर्स, तो नोटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव होगा, करा हाईलाइट, इफेक्ट फ्रॉम डेट DTAA कम इन फोर्स। अब इसके बाद अगर DTAA नहीं है तो अब तुम इसको पढ़ के देखो क्या वही चीजें करी अपन ने, कि कोई गलत तो नहीं पढ़ लिया अपन ने, कि चार चीजें लिखनी होती है, रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, इनकम फॉरेन कंट्री में होनी चाहिए, बाहर टैक्स लग चुका होना चाहिए और DTAA नहीं होना चाहिए, और वही सारी चीजें दी है, नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करो, ग्रॉस टैक्स निकालो, एवरेज टैक्स रेट लो, एक बार पढ़ लो 91 सेक्शन, फिर एक पॉइंट बचा है वो मैं बता देती हूँ। देखो अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो, ये चार्ट जो बना है ना उसमें लिखा है टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम, एक तरफ लिखा है नॉन रेसिडेंट और एक तरफ लिखा है रेसिडेंट। अब नॉन रेसिडेंट का तुमको क्या लगता है क्यों नॉन टैक्सेबल लिख दिया यहाँ पे, कुछ गलती हो गई क्या? इधर लिखा है टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, उसको नॉट टैक्सेबल क्यों लिख दिया इन्होंने? क्योंकि कवर नहीं होता ना मैम। अभी तुम लोग एनआर टैक्सेशन जब मेरे साथ सीखोगे तब उसमें आएगा सेक्शन नंबर 9 आता है, अगर सेक्शन 9 या सेक्शन 7 अप्लाई होगा नॉन रेसिडेंट पे तभी उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, अदरवाइज उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होती। तो ऐसा बंदा जो ऑलरेडी एक नॉन रेसिडेंट है, इनकम भी बाहर से कमा रहा है, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल इन जनरल नहीं होती अनलेस अंटिल सेक्शन 9 या सेक्शन 7 अप्लाई हो। तो यहाँ पे छोटा सा लिख के रखो एक्सेप्ट सेक्शन 9 सेक्शन 7, ये हम नॉन रेसिडेंट में इसका लिंक देखेंगे। तो इन जनरल नॉन रेसिडेंट की कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है जब तक सेक्शन 9 या 7 उस पर एप्लीकेबल ना हो जाए। अब सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया होता है और सेक्शन 7 डीम टू रिसीव इन इंडिया होता है, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है क्योंकि इसका एक अपना चैप्टर है जिसको यहाँ डिटेल पॉसिबल ही नहीं। तो नॉन रेसिडेंट की वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, या तो सेक्शन 9 लगेगा या फिर सेक्शन 7 लगेगा, और दोनों नहीं लग रहे तो आंख बंद करके कोई इनकम इंडिया में इसकी क्या नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए ये यहाँ पे लिखा है। बस एक्सेप्शन करके 7 और 9 लिख दो उस पे ताकि तुम्हें लिंक याद रहे, ठीक है? अब रेसिडेंट पे आओ, रेसिडेंट पे उन्होंने दो चीजें दी है, DTAA है तब क्या करेंगे, तो अगर DTAA है और इंडिया में टैक्स होती है इनकम तो क्या लिखा है, या तो DTAA का रेट या इनकम टैक्स रेट, विच एवर इज लेस। इसका मतलब कोई समझा दो मुझे, तुमको बार बार बताया भी मैंने। DTAA है
और वो ही रेट से टैक्सेबल होगा, या तो DTAA का रेट या इनकम टैक्स रेट, विच एवर इज लेस। इसका लाइन बताओ मुझे, क्या बार बार मैं बोल रही थी इसके लिए? Ma'am, whichever is more beneficial to SIC. Exactly. Whichever is more beneficial. DTAA बोलता है 10% पे टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स बोलता है नहीं 5% पे लगेगा, तो उसी रेट पे टैक्स लगाओगे जो SIC के लिए मोर बेनिफिशियल होगा। वही लाइन को उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो ऐसे दे सकते हैं MCQ में कि DTAA इतना रेट बोलता है, इनकम टैक्स ये रेट बोलता है, बताओ कितना रेट पे टैक्स निकालो, तो टैक्स निकालना लेस वाले पे और फिर टिक कर देना तुम्हारा MCQ। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो इसको सर्कल करो, विच एवर इज लेस वाली चीज को, और लिख दो MCQ। तुम्हें पता रहेगा कि इसकी कोई भी केस स्टडी MCQ के फॉर्म में आ सकती है। डन। अब कल पहले इसका कोशिश करना 6:30 ही तुम लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि तुम ज्वाइन नहीं होगे तो मैं सबसे पहले शुरुआत में रिवीजन ही करवाती हूँ। कल पहले 5 मिनट में इसका रिवीजन होगा, ये वाला रिवीजन का ऑडियो भी तुमको मिल जाएगा, वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, ताकि तुमको जब भी रिवाइज करना हो तो इसको वापस सुन लो, ठीक है? तो लेकिन लाइव ही होता है, तो वीडियो के भरोसे कि 5-10 मिनट नींद ले लेंगे उससे कुछ होना जाना है नहीं तुम्हारा, ठीक है? तो कल हम करेंगे इक्विलाइजेशन लेवी, और इक्विलाइजेशन के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो शार्प 6:30 पे तुम लोग आ जाना, ठीक है? तो और कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो कि कैसा जाने वाला है, कैसा कुछ भी डाउट हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, ओके?